इट्स नॉट लाइव एट द मोमेंट, मे बी इट कैन बी शेयर्ड No, व्हेन now it's live. नाउ इट्स लाइव. थैंक यू. So we can start recording also now. अस्सलाम वालेकुम. प्लीज़ एक मरतबा दोबारा कंफर्म कर लें, मेरी आवाज़ सबको पहुंच रही है. यस वी कैन हियर यू. अस्सलाम वालेकुम. आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ कराची ब्रांच कमेटी ऑफ वक्फा. माय नेम इज़ मोहम्मद तैयब. आई एम मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, मेंबर ऑफ वक्फा, सीपीडी कोऑर्डिनेटर ऑफ कराची ब्रांच कमेटी ऑफ वक्फा एंड प्रेसिडेंट ऑफ सीए टोस्ट मास्टर्स क्लब कराची. बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं कि हमें मार्केट में जॉब नहीं मिलती, हमने बहुत जगह पे अप्लाई भी किया हुआ है मगर कहीं से रेस्पॉन्स नहीं आता. अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो उसके बाद कोई कॉल नहीं आती. तो मेरी जो उस पर ऑब्जर्वेशन है कि वो है कि कैंडिडेट्स डोंट हैव स्किल्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ स्किल्स. एक स्किल्स को हम बोलते हैं कि हार्ड स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स, एंड अदर इज सॉफ्ट स्किल्स. एक रिसर्च है वो ये कहती है कि आपकी जो जॉब सक्सेस पे जो टेक्निकल स्किल्स का रोल है वो सिर्फ 25% है. बाकी 75% जो है वो आपका सॉफ्ट स्किल्स का रोल है. मगर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारी स्कूलिंग हो गई, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स पे इतना फोकस नहीं होता, जिस वजह से लोगों को आगे करियर में मुश्किल होती है. मैं तकरीबन पिछले 5 ईयर्स से इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट कर रहा हूँ, लोगों की सीवीज देख रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स नज़र आती हैं. जैसे लोगों को प्रॉपर सीवी बनाना नहीं आती, या ज़्यादातर लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. एक एक बंदे की सीवी उठाई, उसके ऊपर अपना नाम वगैरह लिख लिया, बाकी एग्जिट रहने दिया. इसी तरह वो जब इंटरव्यू पे आते हैं तो जिस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि किस अगर कुछ आंसर आता है तो किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाए, नहीं आता तो फिर किस तरह रिस्पॉन्ड किया जाए. क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो आपकी दोनों स्किल्स चेक कर रहा होता है, आपकी टेक्निकल स्किल्स भी चेक कर रहा होता है और साथ ही साथ आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी चेक कर रहा होता है. तो उसको देखते हुए कराची ब्रांच कमेटी ने ये डिस्कस किया और डिसाइड किया कि हम सॉफ्ट स्किल्स पे कोई वेबिनार रखेंगे. तो हम शुक्रगुजार हैं वकार मंजूर के कि उन्होंने अपना एक टाइम दिया. तो अब विदाउट डिले मैं वकार मंजूर को इन्वाइट करना चाहूँगा. ही इज़ Chartered accountant by profession. He is also founding member and VP membership of CA Toastmasters Club Karachi, founding member of Ocean Hub Toastmasters Club, and currently he is working at Hubco. So please welcome Mr. Vakar Manzoor. Thank you very much, Tayyab. Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you, and thanks for joining the session. Just like Tayyab said, now I have been taking interview for like more than 6 or 7 years, and I have been in professional world for over 10 years, so I have been giving interview in that time as well. What I have seen lacking in the student that or fresh graduates, that they do not prepare for the interview. And honestly speaking, many times when we are conducting interview, we are literally sad on the thing that why is interviewee is performing so bad. Even though he is qualified from such a good place, but why is he doing so or she doing so? Considering that, we have designed this webinar to help you to achieve those small things which you already know, but to highlight that and to polish that. Just like Tayyab said, that in our university we learn the technical skills, we learn the skills to do the job, but we do not learn the skill to get the job, and that is very alarming. So the first and foremost important point for searching any job is positive attitude. So how I have defined this webinar or designed this webinar is that I have split it in 10 small pieces. If we work on each of the area, we can have much better chance to get a job. I want to make clear one thing, that just webinar does not necessarily guarantee you that you will get a job, but I can assure you
after attending this webinar, your chances of getting a job or getting interview would be much more than the previous before attending this webinar. And this will not only help in you getting the job, but also in your overall career and overall life. So first thing and the foremost important thing is positive attitude. Why I am saying that? I have been often listening to our students or graduates and colleagues that they usually say, yeah, we don't get job, or you cannot get job without reference. You cannot get job without money. तो अगर आपके जहन में यही प्रॉब्लम रहेगा कि आप यही सोचते रहोगे कि आपको जॉब नहीं मिलेगी जब तक आप रेफरेंस नहीं देते, आप मनी इस्तेमाल नहीं करते, आपकी कोई जान पहचान ना हो, यू विल हैव दिस प्रॉब्लम दैट यू विल नॉट गेट द जॉब. दिस इज सिमिलर टू लाइक इन अवर मेनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यू हेयर स्टूडेंट सेइंग कि यार ये आईकेप तो पास ही नहीं करता या ये लोग तो पास ही नहीं करते. And if you keep on thinking that you pass nahi karte, trust me, you will not be able to pass. Because when you program your mind ki yaar aisa hoga hi nahi, aisa hoga hi nahi, aisa hoga hi nahi, so you cannot achieve that. So first and the foremost important thing is positive attitude. And this point will apply to rest of 9 points as well. Honestly speaking, agar hum interview technique ke liye prepare kar rahe hain, to shayad uske liye agar hum ek full day session bhi karein, to wo bhi kam ho. There are so many things to highlight in that, but we have just 1 hour and 30 minutes. So what I will be doing, I will be highlighting the small things which you can write down, which you can further research and which can help you if you work on that. So you need to work on those things. First thing is positive attitude, and you have to positive. Even though you get a call, you are not selected for the job, you should have positive attitude. You apply for the job, you do not get call, you should have positive attitude. You should have belief in yourself, trust in yourself that I can do it, I can get it. That is the first point. Now, while looking at the CV for the interview, aapko bahut baar afsos ho raha hota hai ki yaar isne ye CV banayi hai, I cannot see this person. What I can see is his CV or her CV. ठीक है? और इसके CV में grammatical mistakes हैं, उसके CV में स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसके सीवी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं आ रहा. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हेन यू लुक एट द सीवी, आपके रिक्रूटर जो है उसके पास 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होता इनिशियली टू स्क्रीन अ सीवी. वो यूजुअली 10 सेकंड देखते हैं और उसमें से इस किस्म की चीजें दिखती है कि सिंपली स्किप आउट द सीवी आउट ऑफ रेस्ट ऑफ द सीवी. सो एटलीस्ट स्पेंड अ कंसिडरेबल टाइम ऑन योर सीवी, और नॉट ओनली ऑन मेकिंग दैट, but also get it reviewed from your senior colleagues, your senior mentors, your senior family members, your senior friends, no matter whoever they are. Make a good CV, get it reviewed, and keep it updating. I will cover the small areas in CV which I have seen or which you can cover, then you can further research on that and make your CV outstanding so that when the recruiter look at your CV, he cannot skip on that CV. Aap apni CV ko khud dekh ke bolo ki yaar is CV ko dekh ke recruiter at least mujhe call zarur karega. मेरी क्वालिफिकेशन को देखते हुए आई विल गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, देन माय लक विल डिपेंड हाउ विल आई परफॉर्म इन इंटरव्यू. बट द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव अ गुड सीवी सो दैट द रिक्रूटर कॉल यू. सो आप इनिशियली आप इसमें अपना बैकग्राउंड दे देते हैं, नाम दे देते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं, ईमेल एड्रेस दे देते हैं, यू कैन एड योर पिक्चर एज वेल, देन एड योर पॉजिटिव हाईलाइट्स ऑन दैट सीवी. Never tell a lie on your CV. अपनी CV पे कभी भी झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना, because अगर आप बोलोगे तो आप interview या early part of your job that will be highlighted and that is not ethical as well. You always have to be truthful in your CV, but highlight the positive areas in your CV. Like, for example, if your positive area is your education, keep it in first part. If your positive area is your experience, keep it in first part. All right? And keep it in chronological order with the latest qualification or latest job first. For example, if you have done PIFFA, so you will write first that I have done PIFFA, I qualified, or in which papers have many, how many papers have been qualified. Then you can write if you have done graduation, you have done intermediate or A levels, O levels or matric, whatever it be. So aap usko saath saath likhenge. Chronological order is necessary. I have seen that students write about their graduation and then about their matric and then about their intermediate. So you see the CV and you say that if he cannot make CV in chronological order, so how can I expect that he would be doing work in a good way? So
simultaneously your experience should be in chronological order with the first job first. And when I say highlight the positive area, for example, if you have got outstanding percentage or GPA in your university, if you have got outstanding percentage in intermediate or inter, mention that in your CV. But if you do not get a good percentage, so there is no need or compulsion to mention your percentage on each CV. Like if you get 45% in intermediate, you can simply write that I have passed the intermediate in this particular year. So that's very important to highlight the positive area. If the interviewer asks what was your percentage, you will tell the truth. But at least that question will arise during the interview when you have chance to impress with your other skills as well. Simultaneously, tell your interest in a good way. Like I see hobby, what do you do on hobby? I watch movies. I use social media. So, all right, you may be doing it, but look, think about yourself. There would be something good which you would be doing as well. For example, reading books, playing some good sports, physical sports as well. So, but never mention lie. Like I see people saying that our hobby is to read books. But when you ask them, what books do you read or what poetry do you read? So they have no answer to that. So never tell a lie, but do mention some good hobbies as well. And make your CV in one page. At least when you are early in your career or you are fresh graduate, your CV should not be more than of one page, for God's sake, I say. Because I see a student has done only graduation, but his CV is of 3 pages. And when you see those 3 pages, 70% of those pages are blank. So actually what you are asking your recruiter, you are making his life difficult. Jab aap recruiter ki zindagi ko mushkil banaoge, to there are less chances ke you will be called for the interview. Abhi dekhe, mere interview ke liye bulaya nahi gaya hai. Abhi hamara positive attitude hai, then we are making a good CV. Good CV mein humne kuch cheezein discuss ki hain, which are aapki CV chronological order mein ho, main koshish kare maximum one page ki ho. Aapki CV mein jo aapki highlights hain, positive area, that should be highlighted. आपको जो बुरे काम करते हैं, आपकी अगर परसेंटेज बुरी है, आपको चीजें क्वालिफाई करने में ज्यादा टाइम लग गया है, यू डू नॉट नीड टू मेंशन दैट. आई एम नॉट सेइंग टू लाई, बट डोंट मेंशन दैट. वंस यू हैव अ गुड सीवी, पर्सनल स्टेटमेंट जो आपकी है, जो सबसे पहले आएगी, उसे वेल ड्राफ्टेड होना जरूरी है और वो गूगल से कॉपी पेस्टेड ना हो. व्हाट वी सी इज सेम आपकी जो है पर्सनल स्टेटमेंट इज बीइंग यूज्ड फॉर सेवरल पीपल. मतलब सैकड़ों बंदों की एग्जैक्टली सेम गूगल से कॉपी पेस्ट होती है. व्हाट यू फील लाइक कि यार अगर ये बंदा अपनी सीवी पे एफर्ट नहीं कर सकता, इफ ही कैन नॉट स्पेंड टाइम ऑन हिज सीवी, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट हिम टू डू गुड वर्क. सो वो चीज जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है, जो आपकी सीवी है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पर्सनल स्टेटमेंट अच्छी हो. और वो इसमें आप वो हाईलाइट भी करें कि एट द सेम टाइम कि आप अपने गोल्स पूरे कर रहे होंगे, अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर रहे होंगे, अपने करियर एस्पिरेशन पूरे कर रहे होंगे, बट व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू द ऑर्गेनाइजेशन. Like के I am motivated individual who would be love to do this job, who is always, who like to take challenges, something like that, where you can sell yourself. Like your CV, the interviewer or recruiter cannot see you. Interviewer or recruiter can see only your CV. So what you have to do is to make your CV in such a way that if you see your own CV, or if you ask some of your friend that look at my CV, will you call this CV for the interview? When you make a good CV, then the time comes to apply for the job. And for applying the job is much easier today as compared to when you compare 20 or 30 years back. 20 or 30 saal pehle aapko offices jana padta tha, aapko physically CV jaake dene jaani padti thi, aapko 2-2, 3-3 ghante traveling karni padti thi, aapko offices kaafi baar jaake puchna padta tha ki kya job available hai ya nahi hai. But if we are talking about today, you in digital transformation, in digital media, information is so easily available that if you do not take advantage of it, then you can never take advantage of this digital transformation. Aapke paas is waqt jobs jo maujood hain, aapke paas LinkedIn maujood hai, aapke paas dusri website like Rosie PK and many other, even WhatsApp group bahut sare maujood hain jobs ke, jo ke aapke paas WhatsApp pe maujood hote hain. You can be part of those group jahan pe aapko sirf jobs hi mil rahi hoti hai. Try to make your presence on LinkedIn as well, so that people or prospective hire recruiter can see you, can find you from LinkedIn as well. Keep applying for the job. LinkedIn पे ये नहीं करना कि यार हमें जो भी advertisement दिखा ना, हमने नीचे लिख दिया कि I am interested. Trust me, you do not get call for them from them except from the spam. Spam आपको call कर सकता है अगर वो आपसे पैसे चोरी करना चाह रहा होगा. Otherwise जो आपको recruiter देखेगा यार I am interested लिखा हुआ है, तो वो क्या सोचेगा आपके बारे में. I have seen very good qualified people, professional qualified people,
कि बंदा लिख रहा है आगे से कि आई नीड अ जॉब, आई हैव डन दिस, और नीचे बंदा लिख रहा है जॉब ढूंढने के लिए आई एम इंटरेस्टेड. सो एटलीस्ट प्लीज डोंट डू सच ब्लंडर्स ऑन लिंक्डइन, स्पेंड योर टाइम ऑन जॉब फाइंडिंग. तो आपको उसके ऊपर ढूंढना है और फिर अप्लाई करना शुरू कर देना है. व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग कम, यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, गुड सीवी. मैं जब लोगों से पूछता हूँ कि यार यू आर जॉबलेस, आर यू अप्लाइंग फॉर जॉब, वो कहते हैं हाँ मैं कर रहा हूँ, लेकिन वकार भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा. सो आई आस्क्ड एट हाउ मेनी प्लेसेस हैव यू अप्लाइड, ही सेज आई हैव अप्लाइड एट 3 प्लेसेस, या मैंने 7 जगह अप्लाई किया था, किसी ने भी रिप्लाई नहीं दिया, अब तो मेरा दिल ही उदास हो गया है. सो दिस इज नॉट द वे टू गेट द जॉब. I tell you about myself. I am a qualified chartered accountant. I have done MBA as well. Usually, आप जब CA pass करते हो, you feel like now you have done everything in your world and you will be easily be getting job as well. I applied for more than 100 places before getting the first call for interview. And my usual routine was used to be कि आप रोजाना 8-10 जगह आपने apply करना है जब तक आपके पास job नहीं है. So अगर आपके अंदर ये attitude नहीं है, आपके अंदर ये attitude है कि यार मैंने 10 जगह apply किया था, कोई job ही नहीं आई है, और अब तो जो है जब तक रेफरेंस नहीं होगा, जब तक मेरा मामे का चाचे का या भाई का भतीजे का लड़का नहीं होगा वहां पे, मुझे जॉब नहीं मिल सकती. तो जब तक मैं ये सोचूंगा मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो मुझे अप्लाई करते रहना है. देखो मुझे रिजल्ट पे नहीं जाना कि कॉल आती नहीं आती. जब कॉल आएगी, विच वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट ऑफ दिस सेशन, तो हमें क्या करना है हम डिस्कस करेंगे. लेकिन जब तक मुझे कॉल नहीं आती है, जब तक मेरी सिलेक्शन नहीं हो जाती, मुझे अप्लाई करना है, मुझे जो जॉब मिलती है. अच्छा एक और बड़े होते हैं कि यार मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करूंगा, मैं इस जगह अप्लाई करूंगा, मतलब वी थिंक यार हमें जो है ना डायरेक्ट मल्टीनेशनल से नीचे तो काम ही नहीं करना है ना, हमें डायरेक्ट वहीं पे ही जाना है. सो डोंट किल योर स्कोप योर ओन सेल्फ, कीप योर स्कोप ओपन, अप्लाई एवरीवेयर. व्हेन यू हैव इंटरव्यू यू लर्न अलॉट, जो हम लेटर पार्ट में कवर कर रहे होंगे, आप इंटरव्यू देने से बहुत ज्यादा सीखते हैं. आई रिमेंबर व्हेन आई गेव द फर्स्ट इंटरव्यू एंड व्हेन आई गेव द 10th इंटरव्यू, देयर वॉज अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन माई ओन सेल्फ. जब मैं पहला इंटरव्यू देके आया था, तो मैं सोच रहा था यार मैंने तो ऐसा अच्छा परफॉर्म किया है कि इससे अच्छा कोई क्या परफॉर्म करेगा, और कन्फर्म मुझे आएगी जॉब कॉल. लेकिन जब मैंने 10वां इंटरव्यू दिया था, तो आई न्यू कि यार मैं फर्स्ट इंटरव्यू में क्या ब्लंडर्स करके आया, वॉट वर माई ब्लंडर्स, और अगर उसने मुझे बुरा भला कुछ नहीं कहा, सो डेट्स गुड ऑन हिम. सो डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अप्लाई करो और हर जगह इंटरव्यू देने जाओ विद पॉजिटिव एटीट्यूड, विद पॉजिटिव लर्निंग एटीट्यूड, सो डैट आप उससे बहुत ज्यादा सीखोगे. सो अपना टारगेट बनाएं, एटलीस्ट व्हेन यू आर जॉब सर्चिंग योर जॉब, इवन यू आर जॉबलेस और व्हेन यू आर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर योर जॉब टू मूव फ्रॉम अ जॉब, कि रोजाना मुझे एटलीस्ट इतनी जॉब्स अप्लाई करनी है, 5 जॉब्स 10 जॉब, जहां इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी मुझे जाना है. इन दिस पेंडेमिक टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ समथिंग इज डिफिकल्ट दैट रिक्वायर्स मोर एफर्ट. Not that कि आप ये कहो कि यार अब जॉब मिलना मुश्किल है तो मैं अप्लाई करना ही छोड़ दूं. This is not the way to achieve something. You, what you should be or you have been doing, कि यार in this time finding a job is more difficult. So I should be spending more time to get the job. All right? So now आप अप्लाई करना शुरू कर दिए. अब फॉर एग्जाम्पल आपको आ जाती है कॉल फॉर इंटरव्यू. द फोर्थ पॉइंट इज कॉल फॉर इंटरव्यू. हमेशा कॉल फॉर इंटरव्यू में आपने पॉजिटिव एटीट्यूड शो करें. आई हैव सीन के आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को कॉल कर रहे होते हो, आप पूछते हैं कि यार विल यू बी अवेलेबल ऑन दिस टाइम, एंड द पर्सन रिप्लाई कि आई विल सी इफ माय कैलेंडर इज अवेलेबल, आई विल रिस्पॉन्ड यू, आई कैन नॉट कंफर्म यू. ट्राई टू मेक योरसेल्फ अवेलेबल. सी द रिक्रूटर हैज हंड्रेड ऑफ CVs, एंड नाउ यू हैव ओनली वन कॉल. मे बी इफ यू आर एट दैट सीनियर स्टेज ऑफ योर कैरियर, यू मे बी डूइंग दैट, यू हैव इंपॉर्टेंट मीटिंग और समथिंग लाइक दैट. But doing that in your early part of career reflects very bad or non-serious attitude from the part of the prospective candidate. So, usko khayal rakhein ke make yourself available. When you get the call aur aapne apne aap ko usme available kar diya, ab aapne kya karna hai? Always try to ask who will be your interviewer. Ye bahut important hota hai. If you know that your interviewer is from HR, your preparation would be different. If you know your interviewer is from maybe technical area, internal audit, finance, supply chain, marketing, some other departments, so your preparation would be different. So try to ask that who will be my interviewer. Will it be a panel interview? Will it be a single interview? Jitni information aapke saath share hogi, that would be better and good. Then aapne jab aapko interview ka pata chal gaya hai, interview kis company hai, do some research, spend time on it. See, that is the time to prove that you are superhero. That is the time to prove that you are going to be the one who is selected for the job.
सो रिसर्च करें, जिस कंपनी के बारे में उस कंपनी की वेबसाइट को जाके देखें, जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, अगर वो आपकी जो है कंपनी लिस्टेड कंपनी है उसकी, अगर आपके पास लिस्टेड कंपनी नहीं है उसकी वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, सो लुक एट सिमिलर कंपनीज ऑफ दैट इंडस्ट्री। अगर आप सीमेंट में देख रहे हैं कोई ऐसी कंपनी है जिसकी अपनी वेबसाइट नहीं है, तो उसकी सिमिलर कंपनीज को आप जाके देखें, उनकी वेबसाइट उसकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उसके नाम को गूगल पे लिखें और उसके नाम से रिलेटेड न्यूज देखें, क्योंकि रिसेंट न्यूज तो नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन इजीली फाइंड ऑन इंटरनेट। होता क्या है, इंटरव्यू में जब हम इंटरव्यू से पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, एंड इंटरव्यूअर यू आर समटाइम रिप्लाइंग लाइक के आई नो योर कंपनी मेक्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइक समथिंग सो लाइक इफ आई एम आस्क्ड दैट क्वेश्चन आई वुड बी ट्राइंग दैट माय opinion or my thinking should come at the first, so that interviewer know ke he is the best candidate, rather than ki aap is tarah soch ke us time pe bata rahe ho. To research kare, company ki website dekhe, usse related news dekhe, usse related cheeze search kare, so that jab aap interview mein jaye to aapko ye cheez pata ho ke aap ki jo aap serious hai is job ke liye, the interview नो कि आप सीरियस हैं इस जॉब के लिए, आप इस पे रिसर्च करके आए हुए हैं, यू नो व्हाट यू आर सेइंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग इज, अब देखिए आपके इंटरव्यू के तीन पार्ट्स होते हैं यूजुअली, जो हम के आगे इसमें भी कवर करेंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू कैसे। पहले पार्ट में वो आपसे पूछेगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यूजुअली व्हाट हैपेंस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सेकेंड पार्ट में आपसे होता है जहाँ वो आपसे कहता है कि टेक्निकल एरियाज, अब उसके पास ऑप्शन है वो आपकी सीवी पे चला जाए या कोई टेक्निकल एरिया में चला जाए। थर्ड पार्ट वो होता है जहाँ वो आपसे पूछता है कि डू यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग और समथिंग लाइक दैट। तो अब आपने जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर ली है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने इंटरव्यू से की, आज कॉल है ये आपको कि परसों आपका इंटरव्यू है, आपने प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दी। योर प्रिपरेशन ऑल्सो इंक्लूड, अगर आपको फिजिकली उस जगह पे जाना है तो आपने उधर का गूगल मैप देख लिया, अगर आप फिजिकली उस जगह पे होके भी आ सकते हो रास्ता तो इट्स गुड, आप गाड़ी कहाँ पार्क करोगे आपको आइडिया है, वो सारी आपने प्लानिंग कर ली, आप कौन सी शर्ट पहन के जाओगे, आप कौन से सूट पहन के जाओगे, कौन से कपड़े, दैट यू शुड नो, और वो प्रेस है वो तैयार है, डेट आर अवेलेबल, यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन डेट। आई हैव सीन इंटरव्यू के ऑन द लास्ट डे जब वो इंटरव्यू पे पहुंच चुके हैं, दे गेट टू नो आई कैन नॉट क्लोज माई टाई, सो अब वो इंटरव्यू में जा रहे हैं विद ओपन टाई। सो अगर आप ये चीजें पहले से सर्च नहीं करोगे, दिस इज गोइंग टू बी गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। तो आपने ये सब रिसर्च, आपने कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है, आपने उसकी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करनी है, आपने उससे रिलेटेड न्यूज देखनी है, आपने उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी है, आपने उसकी वेबसाइट देखनी है, आपने लिंक्डइन पे जाके वो बंदों को सर्च करना है जो आपके इंटरव्यू लेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इफ आई नो के हेड ऑफ ऑडिट वुड बी टेकिंग माई इंटरव्यू और सीईओ वुड बी टेकिंग माई इंटरव्यू और हेड ऑफ एचआर समवन फ्रॉम एचआर वुड बी टेकिंग माई इंटरव्यू, इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई लुक एट दोज पीपल ऑन लिंक्डइन एज वेल एंड नो देयर प्रोफाइल एज वेल। सो वट आई यूजली डू के आप जाके देखते हो कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने कहाँ कहाँ देखा है। देखो नाउ आपकी बेस्ट सीवी है, यू हैव गॉटन कॉल फॉर इंटरव्यू, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, एंड फॉर दैट यू हैव टू डू सम रिसर्च, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फॉर रिसर्चिंग आप उस बंदे को जब मैंने आज आप ये भी पूछोगे कि यार कौन इंटरव्यू ले रहा है, तो आप उस बंदे को भी जाके रिसर्च करोगे यार इसका कहाँ कहाँ इस एक्सपीरियंस है। वॉट यूजली हैपन्स If you see someone is from cement sector, तो वो cement sector में जो issues आते हैं उससे related आपसे सवाल भी पूछेगा। If someone has experience of aviation sector, if someone has experience of power sector, whatever the sector भी, तो आप थोड़ी थोड़ी research उस बारे में भी कर ले, at least you know basics. ठीक है, I understand कि आपका ये बिल्कुल early part of the career होगा, आप बिल्कुल fresh होंगे, आपसे ये expect नहीं किया जाएगा कि आपको expert opinion दे सके, but at least अगर आपके पास basic information होगी तो यू वुड हैव बेटर चांसेस टू परफॉर्म बेटर इन दैट इंटरव्यू इन कंपैरिजन टू दोज हु हैव नॉट डन दिस रिसर्च। आप जब एक इंटरव्यू के लिए 20 बंदों को बुला रहे हैं, तो आपको जो फाइनल कॉल करनी है, इस हायर करना है, वो किसी एक बंदे को करना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट वन पर्सन इज गोइंग टू बी मी। आपने कॉल आने के लिए एफर्ट कर दी थी विद पॉजिटिव एटीट्यूड, कंप्लीटली अप्लाइंग एंड अपडेटिंग योर सीवी। सीवी अपडेटिंग में ये भी है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर अप्लाई कर रहे हैं, तो मे बी यू मे मॉडिफाई योर सीवी विद सम रिस्पेक्ट, आप यहाँ पे बोलो कि यार वुड बी कंफर्टेबल विद मोबिलिटी। अगर आप पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं, तो मे बी आप इसे थोड़ा सा सेपरेट परस्पेक्टिव से रखें। आप अगर इंटरनल ऑडिट में, फाइनेंस में, सप्लाई चेन में, तो आप कवर लेटर को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली अमेंड कर सकते हैं। जो आप ईमेल का डाटा लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं,
उसमें थोड़ी सी दो तीन लाइनें अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बिकॉज आप यूजुअली यू सी प्लीज पीएफए और प्लीज फाइंड अटैच माय सीवी, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार जो कैंडिडेट है एटलीस्ट वो दो तीन लाइन ईमेल पे जाए कि वहां से उस ईमेल की पॉजिटिव लाइन से मैं उसकी सीवी को खोलूं, देन विद पॉजिटिव सीवी व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस मैं उसको कॉल करूं, और अब जब कॉल हो गई है आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट जॉब। तो अब मैंने मुझे मेक श्योर करना है कि उसके लिए मुझे क्या करना है, रिसर्च करनी है, मुझे कंपनी के बारे में पढ़ लिया मैंने, उसकी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया मैंने, उस बंदे के बारे में पढ़ लिया कि उस बंदे ने कहाँ कहाँ काम किया। देखो होता क्या, जब आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है ना और आप इंटरव्यू में बैठे हुए होते हो, यू आर मच मोर कंफर्टेबल इन कंपैरिजन। जब आपको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी तो आप क्या होगा कि आप थोड़े से डरे हुए होगे, आपको ये होगा कुछ भी ऐसा आ सकता है जिससे हो सकता है मुझे उसका जवाब ना आता हो, आई मे डू समथिंग रॉन्ग। सो इफ यू आर कंफर्टेबल, इफ यू हैव डन रिसर्च, you are definitely going to perform better in that interview. I hope I am audible and things are understandable. Agar aapko baatein samajh mein aa rahi hain, if you can understand, so please show some thumbs up or maybe clapping or something like that from the reaction section so that I get to know that you are getting what I am saying. So moving forward. Someone asked, sir, are you CA? Yes, I am CA. All right. So moving forward. अब आपने इंटरव्यू से पहले पूरी रिसर्च कर ली है और आप ये कह रहे हैं कि अब आप इंटरव्यू के लिए का दिन आ गया है, इंटरव्यू का दिन आ गया, उससे पहले आप कंपनी के बारे में भी रिसर्च कर चुके हैं, आप जो है उससे पहले उसकी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कर चुके हैं, उसकी लोकेशन के बारे में रिसर्च कर चुके हैं, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में रिसर्च कर चुके हैं। अब उस दिन आपने क्या करना है कि उस दिन आपने टाइम से पहले तैयार होना है, आपने पूरा शेड्यूल करना है। फॉर एग्जाम्पल माई इंटरव्यू इज एट 2 PM तो उस जगह पे मुझे 1:30 PM पहुंच जाना है, और 1:30 PM मेरे ट्रैवलिंग टाइम जो है अगर 45 मिनट्स है तो मैं घर से 12:45 पे निकल जाऊंगा, फॉर 12:45 मुझे तैयार होने में 45 मिनट्स लगेंगे, तो मैं 12 बजे तक मैं नहा चुका होगा, अच्छा मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, हो सकता है मेरा इंटरव्यू 3 या 4 बजे हो रहा हो, लेट हो, मुझे वहां वेट करना पड़े, मुझे भूख लग रही होगी, तो मैं कुछ खा के जाऊंगा ताकि मैं उसके लिए कंफर्टेबल हूँ जब मैं वहां पे बैठता हूँ। I have to make myself comfortable during interview. That's very important. इसको मैं भी later part में cover कर रहा हूँ। But I have to plan these small things. That's very bad impression if you see कि आप जो हो उस दिन understandable नहीं हो, आप उस दिन late पहुँच रहे हो। आप अगर late पहुँचोगे तो interviewer को जो आपने सारी effort की थी वो तमाम जाया हो जाएगी। So that's very important. आप time पे पहुँचो। डिजिटल इंटरव्यू आजकल मोस्टली हो रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट कॉलिंग यू फॉर दैट इंटरव्यू, और वो आपसे कह रही है कि हम स्काइप, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम समथिंग लाइक दैट पे करेंगे। अगर आपको टेक्नोलॉजिकल इंटरव्यू, व्हाट यू हैव टू डू, पहले से आपने देखना है मुझे घर में किस जगह बैठना है जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लाइक टू डू दिस सेशन आई एक्चुअली प्लान दैट आई हैव टू सिट एट दिस प्लेस। ऑलराइट, सो आपको किस जगह बैठने का डिस्टर्बेंस नहीं होगी, यू हैव टू चेक दैट योर इंटरनेट कनेक्शन आप शुड बी बेटर। ऑलराइट, योर इंटरनेट कनेक्शन में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि बार बार यही हो रहा हो या रिकनेक्ट हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है, सो यू हैव टू डू वर्क ऑन दैट एज वेल। व्हाट यू हैव टू सी कि आपके घर में भी आपने ये नहीं करना कि मैंने टी शर्ट पहन के बैठ गया, यार मैं तो घर में ही हूँ ना, इट्स कैजुअल। सो यू हैव टू हैव फॉर्मल ड्रेसिंग इन योर इंटरव्यू। You have to turn on your video. ये ना हो कि आपने इंटरव्यूअर ने वीडियो टर्न ऑन की हुई और आपने वीडियो अपनी टर्न ऑफ की हुई है। So your video should be turned on. And what you have to do or you must do, like for this session as well, I tell you, and for whenever I have interview as well, even when I give interview, what I do this session for my own self as well. Alright, कि मैं इस जगह पे बैठ रहा हूँ तो मेरे कैमरे का बैकग्राउंड क्या आ रहा है, मेरा कितना जिसम का बॉडी का पॉस्चर दिख रहा है, क्या मेरा सर वीडियो से ऊपर तो नहीं जा रहा, क्या मेरे हाथ बाहर तो नहीं जा रहे, मुझे कितने एक्सप्रेशन यूज करने होंगे, मेरी बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा नीचे भी तो नहीं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे हाथ बिल्कुल ही ना दिख रहे हो, ये सारी चीजें आपको प्लान करनी है। एंड वी नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग क्योंकि हम लोग आदि हैं बीइंग इन पाकिस्तान इंटरव्यू देने के फिजिकली, लेकिन जब आपको टेक्नोलॉजिकल इंटरव्यू देना पड़ रहा है, आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम और सम सॉफ्टवेयर लाइक दैट के ऊपर इंटरव्यू देना पड़ रहा है, सो यू शुड शो योर सेल्फ प्रेजेंटेबल ऑन दैट एज वेल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उसके ऊपर यूं आके बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल ये आप आके बिल्कुल यूं बैठे हुए हो, तो अगर मैं आपसे इस तरह बात करने लग जाऊं तो आपका इंटरेस्ट थोड़ी देर में ये हो जाएगा कि यार ये बंदा क्या बोल रहा है। हालांकि इधर मैं आपको कुछ सिखाने आऊँ, कंसिडर द इंटरव्यूअर, जब वो सोचेगा कि यार एक बंदा मुझसे इस तरह बैठ के बात कर रहा है,
या इस तरह बिल्कुल ही कैमरे में आया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? एंड ही वुड बी सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट कैंडिडेट, वो आपको बहुत जल्दी बोलेगा ठीक है वी विल लेट यू नो. तो आपने देखना है कि आपका कनेक्शन सही हो, उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, किसी और से बात करके देखो उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर. टॉक विद योर फ्रेंड, टॉक विद समवन, आस्क हिम इफ आई एम ऑडिबल, मेरी वॉइस में इको तो नहीं हो रहा, मेरी वीडियो सही आ रही है, मेरा बैकग्राउंड सही है, मेक श्योर कोई ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपको डिस्टर्ब करने ना आ रहा हो. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फिजिकली जा रहे हैं तो आपने सारी रिसर्च की हुई, अगर आप लैपटॉप के ऊपर भी दे रहे हैं इंटरव्यू तो भी आपने रिसर्च की हुई हो पूरी कि हाउ यू वुड लुक ऑन दैट. फिजिकली जा रहे हैं आप उधर टाइम पे पहुंच गए हैं, टाइम पे आपने पूछ लिया, आप जगह पे पहुंच गए हैं, जिस वक्त आप वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. एंड हाउ कैन यू मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल? अगर आप इफ यू आर थ्रिस्टी, जस्ट ड्रिंक वाटर और आस्क फॉर वाटर, दैट फ्रॉम वेयर कैन आई गेट द वाटर, सिंपली दे विल टेल यू फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द वाटर, दे विल ड्रिंक वाटर फॉर यू. इफ यू वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम यूज दैट, गेट फ्रेश. इफ यू थिंक यू हैव कम्यूटेड ऑन बाइक और आपको डस्ट लग गई कुछ हो गई तो गेट फ्रेश फ्रॉम वॉशरूम एज वेल. Apply some good scent, fragrance you should apply, but ऐसा नहीं हो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हो कि वो हर किसी को आपके एटमोसफेयर में इफेक्ट कर रही हो, या बिल्कुल ही ना हो कि आप सूंघे नहीं आप स्मेल कर रहे हो. अप्लाई सम गुड फ्रेग्रेंस, हैव सम गुड ड्रेसिंग. इफ यू नो द ऑर्गेनाइजेशन यूज टू वेयर टाई, द एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन यूज टू वेयर टाई, डू वेयर टाई एज वेल, इट्स गुड टू हैव सूट फॉर फीमेल, हैव फॉर्मल ड्रेसिंग, अवॉइड डार्क कलर. समटाइम्स यू सी के पर्सन इज वेयरिंग रेड कलर, और आई हैव सीन दैट इंटरव्यू में जो लड़का आया, he is wearing jeans and hood. So what do you feel about that candidate? Yeah, he jeans or hood aaya, so you simply ask his name. What do you do? Okay, thank you very much. We will let you know. So when you get a chance for interview, make yourself the best candidate for that interview. All right. So आपने अपने आप को presentable रखना है, and आपने उस जगह पे पहुँच के अपने आप को fresh और बिल्कुल comfortable लेना है. काफी बार क्या होता है, you start, आप late हो जाते हो जब आपके पास time नहीं है. You reach there by running, and when you enter the room, you are actually, आप सांस इतनी तेज से ले रहे हो तो person says like it gives a bad impression. So that's very important कि आप easily comfortable position पे पहुंच जाओ. आप बैठो वहां पे 15-20 मिनट पहले, आप उसमें पानी पी लो, you go to washroom if you need, and then you are fresh. जब आप उस room में जा रहे हो तो आप बिल्कुल fresh हो. What one more thing you can do is But one more thing you can do is कि जिस टाइम आप वेट कर रहे हो, देखो इंटरव्यू में मोस्टली ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम. आप उस टाइम उस कंपनी के बारे में रिसर्च करो, डू सम रिसर्च अबाउट द कंपनी एज वेल. अगेन ठीक है, आप पहले कर चुके हो, उस वक्त अगर आपके पास दो ऑप्शन है ना, या तो आप बैठ के बोर होते रहो, या आपके पास क्या ऑप्शन है, यू एक्चुअली कॉल सम फ्रेंड एंड डिस्टर्ब द रिसेप्शनिस्ट एंड अदर पर्सन एज वेल एंड सी दैट ही इज नॉन सीरियस. और वॉट यू कैन डू कि आप जो है सर्फिंग कर रहे हैं गूगल पे, अब आप क्या कर रहे हैं, आप फेसबुक पे सर्फिंग कर रहे हैं, और एकदम आप जब जाएंगे उस सर्फिंग से उस इंटरव्यू के रूम में, तो एकदम आपका फ्रेम ऑफ माइंड चेंज होगा. अभी आप क्या सोच रहे हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि यार मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, और फिर मैं एकदम चला गया, मैं अच्छा यार इधर ये हो गया, इंडिया में ये हो गया, चाइना में ये हो रहा है, और मैं इंटरव्यू में गया तो मैं जो सारा पढ़ के आया हुआ था वो एकदम मेरा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो गया. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई डिटेल्ड स्टडी करें जिस तरह हम लास्ट मोमेंट में करते हैं, बट वॉट यू शुड डू, जस्ट ओपन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, जस्ट लुक एट योर सीवी अगेन. ऑलराइट, सो लुक एट योर सीवी अगेन, और आपको पता हो कि व्हाट इज रिटन ऑन योर सीवी, बिकॉज व्हाट हैपेंस समटाइम इंटरव्यूअर आस्क, यू हैव रिटन इन दिस सीवी, एंड देन यू आस्क वेयर डिड आई हैव रिटन दिस, वेयर हैव आई रिटन दिस ऑन माय सीवी. सो दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सीवी एंड टाइम में एक बार दोबारा से स्किम कर लें, आपने वेबसाइट एक बार दोबारा से देख ली, तो चीजें आपके जहन में क्लिक हो जाएंगी जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है. Now you are called for the interview. आप रूम में इंटर हो रहे हैं. So अगर दो तरीके होते हैं, या तो वो आपको पहले बिठा देते हैं and then they come, तो आप फिर तो अगर रूम में कोई भी नहीं है, you can simply sit in conference room and wait for the interviewer. अगर interviewer पहले से मौजूद है, knock the door, ask for the permission, enter and sit on the chair. Usually a firm shake hand is recommended, but in this current pandemic era, it's very important that you do not shake hand at the moment. Show that you are taking precautions, wear mask as well in interview. अगर अब आपको इस वक्त कहीं बुलाया जाएगा most of कुछ जगहों पे, so ये भी लिखा हुआ होगा साथ में that wearing mask is compulsory. So wear mask show that कि you are taking precaution in such pandemic as well. आप बैठ गए हैं, ठीक है. अब हम दोनों चीजें साथ लेके चलेंगे simultaneously, चाहे आप digital interview दे रहे हैं Skype के ऊपर और some platforms like Zoom, या आप वहाँ बैठ के दे रहे हैं. जो पहला और सबसे important question पूछा जाता है आपसे, वो ये होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ. एंड दिस इज सो इजी क्वेश्चन, एंड आई हैव सीन कैंडिडेट्स दैट दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट. टेल मी अबाउट, अपने बारे में बताऊं,
अच्छा मेरा नाम वकार है और मैंने सीए किया हुआ है, मतलब यू एक्चुअली फील अनॉयड कि यार व्हाट आर यू डूइंग, और सिंपली यू से व्हाट द हेल आर यू डूइंग मैन, मतलब तुम्हें कम से कम अगर अपने बारे में बताने के लिए सोचना पड़ रहा है सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट यू परफॉर्म गुड एट योर जॉब. तो ये जवाब आपने पहले से सोच के जाना है दैट व्हाट डू आई हैव टू रिस्पॉन्ड ऑन देयर क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क मी, सो यू कैन, अच्छा इसमें भी दो तरीके होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल या तो कई बार वो आपकी सीवी से स्किम कर जाते हैं और आपके सीवी के बारे में पूछा और फिर कहते हैं नाउ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ओके आपने यहाँ यहाँ काम किया. इफ दे स्किम फ्रॉम योर सीवी सो यू विल नॉट बी कवरिंग दोस पार्ट व्हिच इज कवर्ड इन योर सीवी, बट इफ दे से ऑलराइट टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड टेक अस थ्रू योर सीवी एज वेल, सो हाउ कैन यू डू लाइक एज यू नो माय नेम इज वकार मंजूर, आई हैव डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी टुगेदर विद एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, I am working currently at this organization. Previously, I was associated with this and this organization. I love to take challenges. I am a motivated individual who loves to deliver on time. Together with that, I love traveling. अगर आपकी job traveling require करती है, it's always good to mention that as well. I love traveling. I am a team worker. कि जहाँ पे ये show हो कि most of the organization wants worker who are team worker. So वहाँ पे ये show हो कि आप team worker भी हैं. I love to meet new people, help other or something like that. But at least think of this question beforehand so that you don't have to think this about this question during the interview. Ek aur bahut important cheez hoti hai, agar aapse interviewer ne english mein pucha hai, try to respond in english. Agar aapse interviewer urdu mein puch raha hai to aap urdu mein hi jawab de dein ki mera naam ye hai, maine ye kiya hua hai. Aap use us tarah se combination rakhe ki jaisa aapne prepare kiya ho accordingly aap use dono zabanon mein jawab de sake, theek hai. Lekin agar aapne udhar hi usi jagah pe aapne flunk kiya na, dekhe aapko jo फर्स्ट इंप्रेशन है वो फर्स्ट 5 to 10 सेकंड्स में बन जाता है, मैक्सिमम पहले मिनट के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ अक्रॉस द टेबल जब हम बैठे हुए होते हैं या जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उसके माइंड में ये बन जाता है कि यार मुझे फर्दर डू आई नीड टू स्क्रीन हिम और आई नीड टू से थैंक यू वेरी मच वी विल लेट यू नो. तो आपने उस फर्स्ट मिनट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनट फॉर यू, यू हैव टू प्रूव दैट आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, यू डोंट हैव, और वो सबसे ईजी भी है क्योंकि आप उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो कि tell me about yourself and if you cannot tell something good about yourself so I think then you need to think over your strategy. theek hai to humne pehle part mein apne bare mein bataya aur positive bataya to abhi tak humne kya cover kiya hai, sabse pehla tha positive attitude wo har point pe apply hua, then humne ek cv achhi banayi, theek hai ye sare points you have to remember these points or work on it, apply humne job pe kiya, humne target set kiya hume din mein kitni bar apply karna hai and we are continuously applying, humne interview se pehle prepare kiya ki interview ke liye कौन लेगा हमारा इंटरव्यू, कौन सी वेबसाइट होगी है उसकी, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है उसका नाम मैंने गूगल पे सर्च कर लिया, देन मैंने इंटरव्यू के दिन प्रिपरेशन की कि मैं उधर जाके फ्रेश हो जाऊं, मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, मेरे कपड़े कौन से हैं वो पहले से मैं डिसाइड हूं, वो सब चीजें करके पहुंच चुका हूं. अब हम सिक्स स्टेप पे हमने जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है तो उसने वहां पे आपको बहुत सी बेसिक सी बातें उसने आपसे पूछी कि फॉर एग्जाम्पल टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो अच्छे इंटरव्यूअर होते हैं इट इज रिकमेंडेड वो अपने बारे में भी आपको बता देने थोड़ा कि भाई लाइक माई नेम इज दिस, आई एम डूइंग दिस जॉब, तो आप एक कंफर्टेबल हो जाते हैं. बट वेन यू आर गिविंग द इंटरव्यू यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि वो एक अच्छा ही इंटरव्यूअर हो, ठीक है. वॉट यू हैव टू डू कि आप अच्छे कैंडिडेट हो, यू कैन नॉट चेंज दैट इंटरव्यूअर बट यू कैन मेक योर सेल्फ अ गुड कैंडिडेट. तो आपने क्या इंश्योर किया कि आपने अपने बारे में जब उसने आपसे पूछा जो कि यूजुअली पूछा जाता है 90% ऑफ केसेस में, आपने अपने बारे में अच्छी लाइंस जो आपने सोची हुई हैं जो कि ऐसा ना लगे कि आप रट्टा लेके रीड कर रहे हैं, एक आपने वेल प्लान मैनर में आपने बता दी. अब इंटरव्यूअर के पास ऑप्शन है, आइदर वो आपसे सीवी के बारे में चला जाएगा कि आपके सीवी के बारे में पूछा गया, अच्छा आपने यहाँ पे किया, यहाँ क्या किया, आप इससे पहले लकी सिमेंट में थे, उधर आपने क्या किया, आप पोजिशन में थे तो आपने वहां पे कितने साल काम किया, कौन कौन सी जॉब्स देखी, या वो आपसे डायरेक्ट टेक्निकल एरिया पे जा सकता है. तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि इनिशियल स्टेजेस पे अगर आपकी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी है या पिफा आपने किया हुआ है तो उस केस में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, आपने क्या क्या पढ़ा, तो वो सारी बातें वो पूछेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जो सीवी में लिखा हुआ हो उसका एक एक लफ्ज आपको पता हो. इधर मैं एक आपसे एग्जाम्पल शेयर करता हूँ. व्हेन आई वाज गिविंग माय इनिशियल इंटरव्यू ऑलराइट, और उसमें मैंने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखा था कि आई हैव एक्वायर्ड स्किल रिक्वायर्ड फॉर द की एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो एक बहुत बेसिक सी चीज थी कि आपने भाई, और आपको ये लगता है आप 5-6 साल से ऑडिट्स कर रहे हो, आपने डिफरेंट कंपनीज के ऑडिट्स किए हैं और आपको वो चीजें आ गई हैं जो कि की एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होती हैं. थ्रू आउट माई सीवी व्हाट इंटरव्यूअर आस्क मी
what are the key areas in an organization. अब देखो आप जब प्रोडक्शन कंपनी का सोचोगे ना तो की एरियाज तो सबसे पहले प्रोडक्शन ही आएगा. और आप ये प्रोडक्शन कहोगे तो आप ये कहोगे तुम्हें प्रोडक्शन की क्या तुम्हारे पास कैपेबिलिटीज है, बिकॉज यू हैव डन सी और एमबीए, तुम यू डू नॉट नो हाउ टू डू प्रोडक्शन. अब जब उसने ये सवाल मुझसे पूछा की एरियाज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई वुड टुडे से उस वक्त मैं इतना अच्छा प्रिपेयर नहीं था, आई गॉट एस्टॉनिश्ड लाइक दिस एंड आई वॉज लाइक के की एरियाज वुड बी, अब आई एम सेइंग लाइक दिस की एरियाज वुड बी, दैट शोज कि आई एम थिंकिंग ऑन इट, आई डू नॉट नो अबाउट माई सीवी एज वेल. तो आपने जो सीवी में लिखा हुआ अगर आपको था की एरिया, सो यू सिंपली से की एरियाज इंक्लूड फाइनेंस, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, एचआर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. लेकिन आपको वो जवाब फौरन से आना चाहिए, आपको वो सोचना ना पड़े इंटरव्यू में. दैट्स इंपॉर्टेंट कि आप इंटरव्यूअर को कंप्लीट करने दो सेंटेंस को, आपको कोई जल्दी नहीं है कि आप उसको कंप्लीट होने से पहले जवाब देना शुरू कर दो ये बताने के लिए कि आपको आता है. दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स नेगेटिव, बट दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आप कंप्लीट होने के बाद हर क्वेश्चन के बाद बिल्कुल ही सोचों में ना चले जाएं और देन आप फिर उतना सोच के जवाब दे रहे हो कि पर्सन सेज के यार अगर ये अपनी सीवी के बारे में ही सोच रहा है तो फिर ये क्या जवाब देगा. आपकी सीवी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन अगर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है या तो वो उस बारे में डिस्कस करते हैं व्हाट यू हैव डन देयर. अच्छा अब देखिए इंटरव्यूअर का एक वास्ट एक्सपीरियंस होता है तो ही नोज के यार आपने जो किया हुआ हो सकता है वो आपकी बातों में से ही कोई फर्दर क्वेश्चन करेगा और जब देखेगा कि यार आप कह रहे हो आई हैव डन दिस लेकिन मुझे उस बारे में ही सही आपको नहीं पता, तो डेट रिफ्लेक्ट नेगेटिव. तो आपने जो काम किया हुआ है आप भले रोज करते हो, ट्राई टू रिपीट दैट एज वेल. एक दो दिन जाने से पहले लाइक मैं आपको बताऊं, जब मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा था फर्म के बाद, तो मैंने जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स दी हुई थी, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स दी हुई थी, मैं उन रिपोर्ट्स को पढ़ के जाता था कि मुझे पता हो कि मैंने क्या हाईलाइट्स दिए हैं उनके, मुझे पता हो कि बैकग्राउंड क्या था, ताकि जब वो मुझसे अगर किसी भी कंपनी का पूछे कि इस कंपनी में क्या देखा था क्या था, ठीक है आई वॉन्ट बी कॉम्प्रोमाइजिंग कॉन्फिडेंशियलिटी बट आई विल बी इंश्योरिंग कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो मुझे पता है, जो मेरी लिखी हुई बातें वो मुझे याद हैं. तो आपसे या तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में या क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ सकते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है आप बताएं. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यू इन फर्म और डेफर टैक्स के बारे में एक बिग फोर के पार्टनर ने मुझसे पूछा, तो क्योंकि एग्जाम के लिए थोड़ा टाइम हो गया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था तो मैं सही जवाब नहीं दे सका और माय इंटरव्यू कॉन्फिडेंस वाज शेकन ऑल टुगेदर. ऑलराइट, तो इनिशियल पार्ट में इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सम रिसर्च इसके ऊपर भी करें कि यार हमने पढ़ा क्या था, मैंने जो रिसेंटली पढ़ा था मैं उनको रिवाइज कर लूं उन बातों को. कुछ जगहों पे इनिशियल स्टेज पे टेस्ट भी लिया जाता है तो मैं टेस्ट के लिए भी अपनी प्रिपरेशन करूं. कॉल आ जाना इस फर्स्ट पार्ट, आप फर्स्ट स्टेज सक्सेस हो गई है आपकी, अब उस कॉल को सक्सेसफुल बनाना इस सेकंड पार्ट एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपने उस कंपनी के बारे में तो रिसर्च करनी थी, साथ साथ आपने टेक्निकली भी अपनी चीजों को रिवाइज किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन अर्लियर पार्ट ऑफ योर करियर. इंशाल्लाह जब आप सब सीनियर स्टेज पे जाएंगे आप देखेंगे कि बाद में ना इतना ज्यादा टेक्निकल एरियाज को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप अर्लियर स्टेज पे हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो. दिस इज योर बेस्ट चांस कि आप जैसे कहते हैं ना कि एक क्रिकेटर को अगर ट्रायल का ऑप्शन मिलता है कि नेशनल टीम में जाने के लिए, तो दिस इज लाइक दैट कि अब आपको ऑप्शन मिला है कि अब आपको ये ट्रायल है, आपको अपना शो करना आप बेहतरीन है. वहां पे मोर देन 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ, यू हैव टू प्रूव यू आर द बेस्ट. तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन के परस्पेक्टिव से यू डू नॉट हैव टू लीव एनीथिंग अनप्लैंड. ठीक है, तो आपने टेक्निकली भी देख लिया, आपने कंपनी को भी देख लिया. अब उसके अलावा जस्ट थैंक यू. और किस किस्म के सवाल पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब डिपेंड करेगा कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है कि आप अगर आप ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किस एरियाज में कौन से रिस्क होंगे. तो अगर आपको पता है कि ये पोजीशन ऑडिट के लिए तो मैं देख के जाऊं कि सप्लाई चेन में क्या रिस्क है, एचआर में क्या रिस्क है, मार्केटिंग में क्या रिस्क है, प्रोडक्शन में क्या रिस्क है, मुझे पता हो उन रिस्क को कवर करने के लिए कौन कौन से आपको कंट्रोल्स चाहिए होंगे, उन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे, ये बातें मुझे पता हो. मैं अगर एचआर में अप्लाई कर रहा हूँ तो एचआर के क्या क्या फंक्शंस हैं, एचआर किस तरह ऑपरेट करता है, एचआर की बातें मैं थोड़ी सी रिसर्च करके जाऊँ. इंटरनेट पे बहुत आसान होता है. अच्छा, सवाल जो अभी आ रहे हैं आई विल बी टेकिंग इन द एंड, सो प्लीज कीप इट एट द मोमेंट. मैं आखिर में सारे सवाल ले रहा हूँ, हम फिर उसको एक साथ कवर कर लेंगे. ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सवाल पढ़ा और मैं चीज भूल गया. हाँ, कि आप लोग प्रिपेयर किया हुआ है आपने उसके लिए,
और आपको अपनी टेक्निकल साइड पे भी पता था, आपको एकेडमिक साइड पे भी पता था, आपको एचआर के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपको एचआर के एरियाज पता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सप्लाई चेन मार्केटिंग या आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको उस बारे में पता हो कि यार ये ऑपरेट कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन के इंटरनल ऑडिट के लिए लोगों ने अप्लाई किया, व्हेन यू आस्क डू यू नो समथिंग अबाउट इंटरनल ऑडिट एंड द पर्सन रिप्लाइज हाँ अच्छे लोग होते हैं इसमें, so you, what do you feel like you simply say yeah, get out from my room, or matlab you do not say that to his face, but what do you think this in this in your heart, and you simply after 2 minutes you say him thank you very much and we will let you know. So do some research. Is daur mein jitna aasan hai na research karna, main kahin bhi baitha hua hu, kahin kuch bhi pad sakta hu, main wahan baitha hua hu, wait kar raha hu, mere paas call aa gayi hai jab interview ki, uske baad se main normally bhi cheeze padh ke apne aap ko update rakhungi yaar, jahan main apply kar raha hu mujhe ye to pata hoga ki usme kaam kya hota hai. सप्लाई चेन है तो सप्लाई चेन में क्या काम होता है, क्या पीओ बनता है, पीआर बनती है, पीओ बनता है, कोटेशंस लेते हैं, ऑर्डर होता है, रिसीव होता है, तो जीआरएन बनती है, एसआरएन बनती है, ये सारी वो चीजें हैं जो कि मैं इजीली इंटरनेट पे सर्च करके लर्न कर सकता हूँ. आई कैन नॉट टीच यू ऑल दोस टेक्निकल एरियाज इन दिस 1 hour 30 minutes, बट वॉट आई कैन टेल यू डेट आपको इस पे रिसर्च करके उस जगह पे जाना है ताकि आपको ये बातें पहले से पता हों. अच्छा, अब हम और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं. फॉर एग्जांपल ये यूजुअली पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर शॉर्टकमिंग्स, ठीक है. जब आपसे स्ट्रेंथ का पूछा जाए इट्स वेरी इजी कि आप स्ट्रेंथ के बारे में बता देते हैं, लेकिन जब आपसे वीकनेसेस का पूछा जाता है ना, तो अब आप वीकनेसेस में ये नहीं कह सकते सिंपली कि आई एम लेजी, लेकिन आपको झूठ भी नहीं बोलना. ऑलराइट, सो यू हैव टू प्लान समथिंग व्हिच डज इज ट्रू एंड एट द सेम टाइम does not reflect कि यार ये कैंडिडेट तो बिल्कुल काम का नहीं. अगर आप ये सोचोगे आई एम लेजी और आई डू नॉट फुलफिल माई प्रोमिस, तो nobody would be willing to hire you ना. फ्यू मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ, बहुत सारे आप आंसर्स और खुद से सोचें अपने बारे में. फॉर एग्जाम्पल इफ यू ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, यू कैन सिंपली से के आई कैन नॉट डू वर्क विदाउट हैविंग टी, और यू कैन से आई एम ओवर कमिटेड समटाइम एंड दैट इज वाई समटाइम आई हैव टू कम्प्लीट माई task at the very last moment on the deadline, so this is something I want to improve. You can also say I feel like I am I need improvement in communication skills and that's why I have joined Toastmasters club or any such club like that where you can improve your communication skills. So also show that here if you are weak at something you are doing effort to improve yourself. All right, so tell something like that, so that's very important. Similarly, जब आपसे ये पूछा जाता है काफी बार के यार टेल मी द योर बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ, ऑलराइट, और अगर आपको कोई एक्सपीरियंस हो टेल मी ऑफ समथिंग यू आर प्राउड ऑफ. अब आपको से जब ये पूछा गया और आप सोच में चले गए उस इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू को व्यूअर को क्या सेंस आंसर गया कि यार इस बंदे ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा भी नहीं किया या इसको पता कि जिसपे ये प्राउड हो. तो ये वो बेसिक सवाल आते हैं जो आपको पता हो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बहुत अच्छी जीपीए आई है, कभी आपने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया था उसमें पार्टिसिपेशन थी, आपके जॉब पे आपने कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की जिसपे आपके बॉस ने आपको एक्नॉलेज किया, आपने अदर देन जॉब और वो आपकी कोई ऐसी लाइफ में है, अगर आप अर्ली करियर में हैं तो आपकी कोई लाइफ में कोई ऐसी बात, बट डू थिंक ऑफ दैट कि यार अगर मैं क्या अचीवमेंट है कि जिसको मैं बता सकूं. इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एज वेल है, फॉर एग्जाम्पल कि जहां पे आप क्या कहते हो कि यार इस सिचुएशन में मुझे चैलेंज आया, फिर मैंने क्या एक्शन किया और क्या रिजल्ट आया, सीएआर स्ट्रेटेजी. सिमिलरली आप कई बार कहते हो स्टार स्ट्रेटेजी, के क्या सिचुएशन थी, उस पर क्या आपको टास्क मिला, उस पर आपने क्या एक्शन किया और क्या रिजल्ट आया. सो व्हाट यू एक्चुअली टेल, अगर आप कोई भी मूवी देखोगे ना, हॉलीवुड मिशन इम्पॉसिबल देख लो या फाइंड आउट एनी मूवी जहां भी थोड़ा सा एक्शन होगा, वो किस तरह से मूवी चलती है, शुरू में दिखाएंगे कि हीरो जो है कैरेक्टर बिल्ट हो रहा है और मुश्किलें आ रही और हीरो जो है जैसे हारेगा, फिर एकदम ये होगा कि हीरो बिल्कुल ही मुश्किलों में फंस गया और देन वो ही कैन ओवरकम दैट. तो सिमिलरली आपको इंटरव्यू में भी ना प्लान योर आंसर इन सच अ वे कि यार ऐसी कौन सी सिचुएशन आई थी, ऐसी कौन सी डिफिकल्टी आई थी आपकी लाइफ में जो कि सच हो बात, ताकि जब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो आप उसके जवाब दे सकें, और उस पर आपने सिचुएशन में किस तरह से काम किया और किस तरह से कामयाबी हासिल की, एंड हाउ कैन दैट कामयाबी कैन शो कि यार यू कैन अचीव दिस कामयाबी इन योर जॉब एज वेल. ऑलराइट, तो इसके बारे में सोचें, स्ट्रेंथ के बारे में सोच लिया आपने, लिमिटेशन के बारे में सोच लिया आपने, ऐसी चीजों के बारे में, बिगेस्ट अचीवमेंट के बारे में सोच लिया. वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years? अब ये अगेन ये वो सवाल है कि जो इसका आपके पास जवाब होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए एक्चुअली वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years. अगर आप इसमें आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को अमेंड कर लेते हैं, मोस्टली हम क्या कहते हैं कि जब हम अर्लियर पार्ट ऑफ करियर में या
जहां भी जॉब मिलेगी हम तो कर लेंगे, चाहे फाइनेंस हो, सप्लाई चेन हो, ऑडिट हो, एचआर हो, जो भी हो. बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ पर्टिकुलर, इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल गेट जॉब हियर ओनली, तो आप ये बता दें यही, और ऑब्वियसली आप उसी जगह जाके इंटरव्यू दे रहे होंगे. बट इफ यू आर नॉट डिसाइडेड येट एंड यू आर लाइक आई कैन गो टू एनी ऑफ दिस डिपार्टमेंट, आप जिस जहां इंटरव्यू देने जा रहे हैं plan something like that ki I would like, for example, agar internal audit mein hai to I would like to see myself in next 5 years, I would like to see that I have proved myself as a good employee of this organization and maybe I am promoted to a bigger role, a bigger challenge, so something like that. But aap aise answers ke liye kya karenge, there can be several questions like that aur jiske liye hamare paas time short ho jayega. So what I would recommend, do search it, do google it ki tricky questions in interview, aur usme aapko कंप्लीट लिस्ट ऑफ मोर देन 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि उस केस में आप क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, तो कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना है. बट डू रिसर्च दैट. इन दिस सेशन आई कैन ओनली हाईलाइट यू दैट व्हाट आर द एरियाज टू डू रिसर्च, देन विद पॉजिटिव एटीट्यूड व्हिच वी हैव डिस्कस इन द बिगनिंग, जो हर जगह अप्लाई होगा कि मैं प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, मैं ड्यूरिंग इंटरव्यू भी, मैं इस सेशन में भी, मैं अपनी लाइफ में भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो अपनी क्वालिफिकेशन के लिए भी, तब मैं वो चीजें जाके आई कैन अचीव दैट. ऑलराइट, तो डू रिसर्च दैट. वन मोर थिंग, that interviewer usually asks that, do you want to ask anything? So that's the very important part of the interview, ki jab wo aapse puch raha hai, so what should you ask and should you ask or not? It's very important. I repeat, it's very important ki jab aapse interviewer ye opportunity de, to aap usse puchein. और वन मोर थिंग, अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है पानी के लिए और चाय के लिए, that would you like to take tea or water? So it's good कि अगर आपको प्यास लग रही है, ask for water. Sometimes you can ask for tea as well, that's fine. But ऐसा ना हो, environment को आप देखते हुए, don't hesitate if you feel like having tea or water. All right, so it's fine to ask that until unless कि आपको उसके पूछने के तरीके से पता चल जाए कि यार वो मंगवाना नहीं चाह रहा, वो आपसे simply पूछ रहा है चाय तो नहीं लेंगे ना, you should get that. But other than that, it's fine if you want to have tea, if you want to have water. Just have water. It's good to ask for water because जैसे अभी आपने सेशन में देखा, मैंने 2 glass अपने साथ रखे हुए थे जो कि मैं खत्म कर चुका हूँ और दूसरा खत्म होने वाला है. जब आप इंटरव्यू, अगर आपका लंबा होता है, आधे घंटे का, एक घंटे का, 20-25 मिनट का, तो आप जब कंटिन्यूसली बोल रहे होंगे तो आपको प्यास लगेगी. सो आप अगर उस वक्त आप शायद बोलते हुए शर्माओगे कि when they do not ask you and you ask for can you have water for me, so it's good to have the water in the beginning. So that if you feel thirsty during the meeting, just have a sip in the beginning. And if you feel thirsty during the meeting, you can have another cup as glass as well. All right. So ab jab usne aapse pucha hai ki, do you want to ask anything? There are many questions which you can ask as per the situation. First of all, for example, it would be great agar aapka ye abhi tak discuss nahi hua hai, if you can explain me the roles and the expectation for me in this job. So kya hoga, isse benefit kya hai? एक उसे भी लगेगा कि यार यू आर इंटरेस्टेड, सेकंडली कि आपको भी बेहतर चांस मिलेगा उस जॉब को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरा क्या काम होगा, क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, क्या चीजें होंगी. सो दैट अगर आप सेकंड इंटरव्यू के लिए आते हो, तो आप फर्स्ट इंटरव्यू में आपने पूछ लिया, आपको सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो देन यू नो द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जॉब एंड यू कैन प्लान बेटर फॉर दैट पोजिशन एज वेल. ऑलराइट, तो आप ये पूछ सकते हो. अगर आप एमटीयू पोजिशन और इनिशियल पोजिशन पे, तो यू कैन ऑल्सो आस्क देम के for example that what are the career growth prospect for me in the organization, how can I, are there trainings available for the employees, because usually achi organization trainings bhi deti hai. So aap training ke bare mein puch sakte hain, aap growth prospect ke bare mein puch sakte hain, aap company ke bare mein for example puch sakte hain, are there any growth prospect in the company or ya operations mein bhar rahe hain. Aap ye puch sakte hain. One more thing, that when should I expect a response for next interview or for next procedure, so something like that. But अच्छा, इसमें ये भी नहीं करना आपने कि बहुत ही ज्यादा पूछने लग जाओ कि आपने उसने पूछा डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग एंड यू स्टार्ट आस्किंग 10 और डजन ऑफ क्वेश्चन. 1, 2, or 3 क्वेश्चंस आर फाइन, 2 इज गुड आई वुड से, और लेकिन डू आस्क सम क्वेश्चन विच आर जेन्युइन क्वेश्चन. ठीक है, हमेशा ये जेन्युइन क्वेश्चन बहुत होता है कि व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी इन दिस जॉब. ऑलराइट, तो वो भी आपको पता हो कि यार आपके लिए क्या है, ताकि अगर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, यू नो दैट. आफ्टर द इंटरव्यू you simply, अगर pandemic नहीं है, precautions नहीं है, you shake hand and leave for the room, from the room. अगर वो है तो भी इस केस में tell them that thank you very much, it was pleasure meeting you and I hope we would be meeting soon again, something like that. अगर online भी है तो उस केस में भी आप उन्हें बोलेंगे thank you very much, it was pleasure meeting you or something like that. That show the positive attitude in yourself. One more very important thing what I have seen in interview as well, the interviewee
is telling or backbiting about his previous employer or previous boss. Never do that. Dekho, agar if someone is coming to me from Lucky Cement and he's saying that in Lucky Cement or any organization for that matter, there were these issues, what would I be thinking taking his interview? That if he is saying these things about his previous employer, he would be saying similar thing about me to someone else as well. All right. And if he has so many grudges in his previous job, he will have similar issue with me as well. And because I do not know that candidate, maybe his issues genuine ho, maybe aapke problems real ho, but this will decrease your chance of being selected by telling that ke, these are the issues. Always highlight the positive aspects. All right. So आपने झूठ नहीं बोलना, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट अगर वो आपसे पूछेगा कोई ऐसी बात जिसका आंसर नेगेटिव ही है, देन यू विल टेल इट. बट अगर वो आपसे नहीं पूछता या आपसे ऐसी बात है जिसको हाईलाइट करना जरूरी नहीं है, कीप इट साइलेंट. ऑलराइट, डोंट टेल इट बिफोर हैंड कि यार ये सारे मसाइल हैं. इंटरव्यू हो गया, ठीक है, आप इंटरव्यू से रूम से आ गए हैं, फिर आपने क्या करना है कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो ये भी नहीं करना कि जिस दिन इंटरव्यू से आए ना, मैं उसी दिन ही उस एचआर को कॉल करने लग गया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट प्रोसेस, क्या होगा. आपने थोड़ा गैप देना है, वरना इंटरव्यूअर और एचआर कैन गेट इरिटेटेड. साइमल्टेनियसली अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक वीक हो गया, दो वीक हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, देन इट्स फाइन टू आस्क एचआर पर्सनल के आई डिड इंटरव्यू, आई गेव इंटरव्यू ऑन दिस डेट, एंड इफ यू कैन प्लीज अपडेट मी, दैट वुड बी ग्रेट, सो दैट दे ऑल्सो नो दैट यू आर इंटरेस्टेड for the job, and if they are planning, they can get let you know about further procedure, or maybe they can call you for another interview. And other thing very very important is, then don't be disheartened if you are not selected for the job. This is similar to your qualification. If you fail, you always learn. So aapne to interview dena hi is perspective se hai, apni puri effort se, ki I am going to learn something new from it. All right. तो अगर आपको नहीं बुलाया जाता, कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, आप किसी जगह अप्लाई करेंगे. लाइक वी से, ट्राई अंटिल यू फ्लाई. ऑलराइट, जब स्पाइडर ने हिम्मत नहीं हारी, 10 बार नीचे गिरी और वो वापस जाके चढ़ गई फाइनली, सो हाउ कैन वी बीइंग अशरफुल मखलूकात हम ये मान लें कि दैट वी कैन नॉट अचीव दिस. ऑलराइट, तो आपने कंटिन्यूसली एफर्ट रखनी है. आपने रिकरेंस द 10th स्टेप विच यू विल बी डूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, कि ये सारे स्टेप्स दोबारा से करने हैं. I repeat कि ये 1 hour session था. I tried to make it very concise. 30 minutes के बाद हमारे पास हैं, जिसमें मैं कोशिश करूँगा question answer session हम cover कर रहे होंगे. जिन लोगों के आप लोगों के questions हैं, start writing them. I will be reading out in a while. आप directly मुझे भी भेज सकते हैं, सिर्फ आप चाहें तो to everyone, whatever you like, you can do that. हम simply इसको revise करेंगे 10 steps से, और इनके ऊपर अगर आप effort करेंगे, trust me, you will have much more chance of being selected. थोड़ी आपको एफर्ट खुद करनी पड़ेगी, थोड़ी आपको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी, बट यू आर गोइंग टू बी सक्सीडेड इफ यू डू दैट. पॉजिटिव एटीट्यूड था, पॉजिटिव एटीट्यूड आपके हमेशा रहना चाहिए, 10 के 10 स्टेप्स में भी, ड्यूरिंग दिस सेशन भी, ड्यूरिंग योर लाइफ भी, ड्यूरिंग योर क्वालिफिकेशन भी. सीवी कंटिन्यूसली आपने अपडेट करते रहना है, कि जहाँ पे आप सीवी को अपडेट कर रहे हैं और आप उसमें ये कहते हैं कि आपने अपनी सीवी को स्टैंड आउट करना है फ्रॉम अदर, आस्क अदर्स टू रिव्यू योर सीवी एज वेल. ऑलराइट, आप जॉब के लिए अप्लाई करते रहेंगे कंटिन्यूसली, प्रिपेयर करना है बिफोर द जॉब, ऑन द डे ऑफ जॉब, ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने अपने बारे में अच्छा प्लान करना है, आपने ड्यूरिंग इंटरव्यू जो कि क्या बोलना है, बेसिक क्वेश्चन आपने सर्च करके जाने हैं. टेक्निकल हो सकता है, आपको बारे में जो है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, सीवी से रिलेटेड हो सकता है. एंड में आपसे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इंटरव्यू के बाद क्या होना, और रिकरेंस क्वेश्चंस काफी सारे आने लग गए हैं, तो मैं साथ साथ वो भी रीड करता जाता हूं और हम उसे भी कवर करते हैं. वकार, यस, यहां पे जो क्वेश्चंस आ गए इनके पे आंसर, और अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो वो डिजिटल हैंड भी रेज कर सकता है, तो हम उसको अनम्यूट कर लेंगे. और इसी तरह जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, वो फेसबुक वीडियो जो लाइव चल रही है तफा के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे, वहां पे कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, तैयब, इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन रीड आउट द क्वेश्चन एंड सो दैट आई कैन आंसर. एंड इफ एनीवन ऑफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन, जस्ट रेज योर हैंड, वी विल अनम्यूट योर माइक एंड वीडियो एज़ वेल, एंड यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट. ए क्वेश्चन आया है, इज इट नेसेसरी टू पुट पिक्चर ऑन सीवी? इट्स नॉट नेसेसरी, but it's always good to have that, because the employer many time wants to see whom am I
calling for the interview. So I again say it's not necessary. If you are uncomfortable, you can remove your picture from the CV. But it's always good to have some decent photograph, like where you sell yourself for that job. So it's good to have the picture. So I will recommend. But again, if you feel uncomfortable, you can remove it. There was one raised hand as well from, I think, Tanveer. So Tayyab, if you can unmute his mic, that would be great. I don't see any raised hands. All right, let me see. So let's go to next question, and if you can. Does CV format matter? It matter a lot. मतलब अगर मैं इसे कहूं कि इट मैटर दैट वुड बी अंडरस्टेटमेंट. इट मैटर्स अ लॉट. आपकी सीवी इज समथिंग जो हमने अभी भी डिस्कस किया सेशन के शुरू में भी कि दैट एक्चुअली सेल्स यू. तो अब आपका फॉर्मेट क्या हो सकता है? देयर कैन बी मेनी फॉर्मेट्स. ठीक है, हमने यूजुअली इनिशियली आपका नेम, कॉन्टैक्ट, आपकी ईमेल एड्रेस, आपकी पिक्चर टॉप पे आ गई, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आती है. अगेन आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, बट आपकी पर्सनल स्टेटमेंट कैसी है दैट मैटर्स अ लॉट. जो चीज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपकी सबसे हाईलाइटेड है, जो चीज आपको लगती है कि यार दिस इज द थिंग विच स्टैंड्स मी आउट, उसको सबसे पहले रखें. फिर एक्सपीरियंस वो सबसे ऊपर हो, इफ इट्स योर एजुकेशन वो सबसे ऊपर हो. अगर आपकी जीपीए, आपने कभी कोई प्रोजेक्ट आउटस्टैंडिंग किया है, आपने कोई आउटस्टैंडिंग चीज पिफा में अचीव की हो, उसको सबसे ऊपर लाएं. नीचे कोशिश करें, अब आपको फॉर्मेट में एक पेज भी आ जाएगा तो एक पेज के अंदर कवर हो रही हो, नीचे आपका बायोडाटा आ जाए, आपकी हॉबीज आ जाए, गुड ट्रेनिंग आपने जो अपने करियर में ली हुई है, समथिंग आउटस्टैंडिंग जो आपने किया हुआ है, एनी अदर थिंग जो कि आपके अंदर हाईलाइट आप करना चाहें, तो वो एक ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए यार जिसको आपका खुद देखें दोबारा से या किसी और को दिखाएं, और उसको देख के आपका पढ़ने का भी दिल चाहे, समझ भी आए. मैं उसे एक नजर में बोलूं 10 से 15 सेकंड में मुझे पता चल जाए यार इस बंदे की सीवी अच्छी है, लेट्स रीड इट इन डिटेल, या फिर मैं ये कहूँ यार ये बंदे की सीवी मुझे समझ आ गई, लेट्स कॉल इट. इन कंट्रास्ट अगर मैं देखता हूँ यार सीवी में स्पेलिंग मिस्टेक है, सीवी में फॉर्मेटिंग आगे पीछे के कोई लाइन पहले शुरू हो रही है, कोई लाइन बाद में शुरू हो रही है, सीवी में बॉक्सेस सही तरह समझ में नहीं आ रहे हैं, तो व्हाट विल हैपन कि मुझे यही होगा कि यार अगर ये सीवी की फॉर्मेटिंग सही नहीं की हुई, ही इज नॉट पुटिंग एफर्ट ऑन द फॉर्मेटिंग ऑफ इट सीवी, सो व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीवी की फॉर्मेटिंग सही हो, उस पर आप टाइम स्पेंड करें, वो अच्छी हो. ऐसा नहीं हो कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर एक पेज है और उसको लेट मी शो यू, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक पेज है और आप इसको दो हिस्सों में कर रहे हैं, तो दो हिस्सों में ऐसा ना हो कि आप कहीं पे आके इधर चले गए, फिर आप इधर आके इधर चले गए. वो कोशिश करें वो भी लाइन स्ट्रेट हो, तो फॉर्मेटिंग ऐसी हो जो मेरी आंखों को अच्छी लगे, आई एंजॉय दैट, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा एक क्वेश्चन है कि जितने भी अभी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कि किस तरह या क्या आंसर देना चाहिए, तो इट इज ऑल कम्युनिकेशन. तो आपने अभी बताया था कि कम्युनिकेशन के लिए आप मेंबर हैं टोस्ट मास्टर्स क्लब के, तो क्या इंटरव्यू के लिए भी टोस्ट मास्टर्स क्लब हेल्प कर सकता है? डेफिनेटली डेफिनेटली. देखिए जब आप क्या होता है कि टोस्ट मास्टर्स क्लब क्या है, लेट मी हेल्प मी टेल यू दैट एज वेल. टोस्ट मास्टर इज द कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है, जो कराची के अंदर बहुत सारे टोस्ट मास्टर्स क्लब हैं, पाकिस्तान के अंदर भी. आप उसमें आजकल पेंडेमिक की वजह से वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, तो आप वर्चुअल मीटिंग में किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं. आई विल शेयर माय ईमेल एड्रेस एंड सेल फोन नंबर एज वेल, इफ यू कैन वांट टू आस्क मी दैट आई विल शेयर दैट एज वेल. आई एम जस्ट शेयरिंग माय ईमेल एड्रेस एंड माय सेल फोन नंबर फॉर व्हाट्सएप एज वेल. डोंट प्लीज डोंट कॉल मी इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, जस्ट व्हाट्सएप मी. आप उसके ऊपर जाके आप क्या करोगे कि आप मीटिंग में आपसे इसके अंदर 3 सेशंस होते हैं, ठीक है. फर्स्ट सेशन दैट इज इम्प्रॉम्प्टू सेशन, सेकंड सेशन इज प्रिपेयर्ड स्पीच, एंड थर्ड सेशन इज इवैल्यूएशन. जब आप इम्प्रॉम्प्टू सेशन कर रहे हो तो आपको कंटिन्यूसली वो प्रैक्टिस हो रही है कि यार जब मुझसे कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आपको एक सवाल पूछा जाएगा और आपको फौरन उसके ऊपर जवाब देना होगा. तो आपको इंटरव्यू में भी क्या होता है कि कोई भी सवाल अचानक से आ जाता है, तो जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो हर वीक वो पोस्ट मास्टर्स की मीटिंग अटेंड करके, so there are much more chances के आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे ड्यूरिंग इंटरव्यू. सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल वेन वी टॉक अबाउट प्रिपेयर स्पीच, तो प्रिपेयर स्पीच आपको हेल्प करेगी. लाइक उसमें पहली स्पीच ही होती है आइस ब्रेकर, तो आप अपने बारे में बताते हो, तो आप अपने बारे में बहुत बेहतर तरीके से बता सकोगे अगर आपने उसकी स्पीचेस प्रिपेयर की हुई होगी. एंड देन द पार्ट इज इवेल्युएशन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जहाँ पे आपको एक्चुअली पता चलता है कि आपने क्या चीज़ अच्छी की और क्या चीज़ आप फर्दर अच्छी कर सकते हैं
और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एरिया होता है कि जहाँ पे आप अपने आप को फर्दर पॉलिश कर सकेंगे. सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, बी पार्ट ऑफ एनी टोस्ट मास्टर्स क्लब. देयर इज सीए टोस्ट मास्टर्स क्लब कराची, लाहौर एज वेल सीए टोस्ट मास्टर्स क्लब, इस्लामाबाद, पेशावर, देन देयर इज एक्सप्रेस टोस्ट मास्टर क्लब, कराची टोस्ट मास्टर क्लब, देयर आर सो मेनी टोस्ट मास्टर क्लब. सो सिंपली गो ऑन गूगल, राइट toastmaster.org एंड यू कैन फाइंड सो मेनी क्लब्स इन योर एरिया. Do attend its meeting. You can attend its meeting for free as a guest, and it's very easy now. You can attend from your home as well. So do attend its meeting. It will help you a lot for your interviews as well. Jee Jayam. There was a raise of hand. Galaxy A50 का range raise है. If you can unmute his mic and video. Yes. Unmute कर दिया है. अनम्यूट किया था मगर वो सवाल उसमें नहीं पूछा. एक सवाल आया हुआ है कि इफ दे आस्क टेल अस अबाउट योरसेल्फ, कैन वी डिस्क्राइब आवर फैमिली बैकग्राउंड, स्टडी, और डायरेक्टली स्टार्ट जॉब डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट, सो आई टेल यू, लाइक आस्किंग अबाउट फैमिली बैकग्राउंड इज इलीगल इन मेनी कंट्रीज. इन पाकिस्तान इट्स नॉट, एंड वी यूजुअली आस्क दैट एज वेल. बट व्हाट आई वुड से, डोंट tell much detail about your family background if the interviewer has not asked for it. There are two types of question. First question can be like, tell me about yourself, your education, your experience, and your family background. If the interviewer asks like this, in an environment like Pakistan, maybe you can tell about your family in the end of the brief discussion about that. But if the interviewer says, tell me about yourself, so do not go that what your siblings do, what your father do, what your mothers do. Because interviewer may think like, yeah, I want to know about you. I don't want to know about your family and everyone in your family. So try to keep it yourself. आप उसमें अपनी education के बारे में बताएं, अपनी achievements बताएं कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया. उन 30 seconds या 1 minute को सुन के लगे that this is the best candidate. So आपने वो सारी चीजें prepare करनी है. आपका अगर experience है तो आप उसके बारे में बताएंगे. आप अपनी hobbies के बारे में कुछ बता सकते हैं, जो अच्छी hobbies आपकी हैं. आप अगर traveling पसंद कर सकते हैं तो आप वो बता सकते हैं. तो tell those positive aspects जिसको सुन के आप इसको डिस्कस करें. आप जब इंटरव्यू आपका है ना, तो उससे पहले आप कोशिश करें किसी दोस्त को वीडियो कॉल कर ली, किसी घर वाले के साथ आप बैठ गए और उससे आप ये जवाब बोल के देखें कि कैसा लग रहा है, और इस जवाब को फर्दर इम्प्रूव करें. यस, आर टेक्निक्स यू टोल्ड आर आल्सो बेनिफिशियल फॉर प्रमोशनल इंटरव्यू. देखिए, टेक्निक्स यूज हो सकती है किसी भी चीज के लिए. तो अगेन, आपको ये जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस टेक्निक्स आर नॉट स्पेसिफिकली फॉर, आई वुड से के इस पार्ट के लिए, कि इंटरव्यू के लिए. आप इसको अपनी लाइफ में किसी भी जगह, ड्यूरिंग योर जॉब, ड्यूरिंग एनीथिंग, आप इसको यूज कर सकते हैं. तो उसमें आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स ऑन यू, यू नीड टू रिसर्च ऑन दैट. ओके, एक सवाल आया है, प्रोफेशनल सीवी किस तरह तैयार करें. गूगल इट. Google, you will find hundreds and thousands of formats from it. Then आप उसको अपने आप से amend करें. देखिए, अगर मैं आपसे अपनी CV for example share कर दूँ, या if I share some other CVs as well, वो हमेशा अगर हर बंदा उसको कॉपी करने लग जाएगा ना, तो वो ये क्या होगा, वो हर बंदा सिर्फ यही होगा कि सेम CV है. तो try to make something unique. और professional CV ऐसी है कि जिसमें आप कोई रंगीन बहुत ज़्यादा रंग ना ले आए, कि मैं लाल पीले नीले रंग बहुत ज़्यादा ले आया हूँ. प्रोफेशनल, उसके अंदर सोबर कलर्स हो अगर मैंने यूज किए हुए, एक अच्छा वेल स्ट्रक्चर्ड हो, उसके अंदर मेरी बातें कवर हो रही हो कि मेरे एजुकेशन क्या है, मेरी एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी बातें. सो दैट्स अ प्रोफेशनल सीवी. ओके, प्लीज एडवाइस ड्रेस कोड. ड्रेस कोड हमने कवर किया भी था, मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ. फॉर मेल एंड फीमेल एज वेल, आप कलर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा डार्क, या जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, ट्राई अवॉइडिंग दैट कलर. ड्रेस फॉर्मल अगर मेल्स के लिए आप, इट्स बेटर टू, अगर आप सूट पहन सकते हैं सो इट्स गुड टू हैव सूट. इफ नॉट सूट, अ गुड फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट विद पॉलिश शूज. शूज में देखता हूँ कि पॉलिश नहीं होता आप इंटरव्यू. कई बार ये भी होता है, ठीक है आप पार्किंग से आ रहे हैं, वहाँ पे आपके शूज खराब हो गए, बट योर शूज शुड बी पॉलिश. शर्ट एक लाइट कलर की हो, यूजुअली व्हाइट कलर इज रिकमेंडेड, आई लव द व्हाइट कलर. बट उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल लाइट आप ब्लू कलर ले सकते हैं, आप लाइट ग्रे कलर ले सकते हैं, बट योर कलर शुड बी लाइट. टाई इज ऑप्शनल, बट अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे टाई पहनी जाती है, सो मस्ट वियर टाई एज वेल.
फॉर फीमेल एज वेल के अवॉइड हाई हील्स, बहुत ज्यादा हाई हील्स हो, बहुत हैवी परफ्यूम हो, सो दैट्स नॉट रिकमेंडेड. इसके अलावा आप शलवार कमीज और वट एवर फॉर्मेट ड्रेस यू प्रिफर यू कैन वेयर दैट. फॉर फीमेल, फॉर मेल इट्स बेटर टू हैव सूट एंड ड्रेस कोड एंड पैंट शर्ट. यस ओके. एक सवाल आया हुआ है कि ये रिपीटेटिवली एक सवाल पूछा जाता है, उसके हवाले से कि उसका आंसर किस तरह दे जाए. वेयर विल यू सी योरसेल्फ इन फ्यूचर? We also covered that as well. Like when I said, where do you see yourself in 5 years? So, आपने इस आंसर को पहले से प्रिपेयर करके जाने. अगर आप देख रहे हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंस फंक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, यू कैन नॉट से कि यार मैं फाइनेंस फंक्शन का हेड होना चाहूंगा. यू कैन नॉट से कि मैं एक एंटरप्रेन्योर होना चाहूंगा. वॉट यू कैन से कि आप उस जॉब को देखते हुए बाकी आप सोचे भी, वॉट डू यू वॉन्ट टू बी लाइक. इफ आई से सो आई वुड लाइक टू आफ्टर 5 years, आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ इन योर ऑर्गेनाइजेशन प्रूविंग माई स्किल्स. And maybe then I may be given a bigger role, bigger challenge after proving my skills, and I would be looking after that job. So something like that. कि आप जहाँ पे आप ये बताओ कि यार मैं अपने आप को चाहूँगा 5 साल में अपने आप को प्रूव कर चुका हूँ, एक बिगर रोल, एक बिगर चैलेंज के साथ मैं उस जगह पे मौजूद हूँ. Yes. Why do you want this job? Salary expectation. Please repeat it. Why do you want this job and salary expectation? Why do you want this job? हम पहले कवर करते हैं, देन हम कवर करते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशन में. देखिए, why do you want this job पे ना आपको थोड़ी रिसर्च करके जानी है और आपको अकॉर्डिंगली सेल करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जिसका आपको पता है कल्चर बहुत अच्छा है, आपने इसकी रिसर्च की है, तो आप ये बोलोगे कि यार दिस हैज ऑलवेज बीन माई ड्रीम जॉब, ऑलराइट, एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क फॉर इट, एंड आई नो दैट आई कैन प्रूव माई सेल्फ इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. सिमिलरली, अगर why do we hire, अपना why do you want this job? आपको सेक्टर अगर पसंद है, फॉर एग्जाम्पल पावर सेक्टर है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, व्हाटएवर द सेक्टर भी, तो आप उस सेक्टर की वजह से बोल सकते हो, आप उस कंपनी के नाम की वजह से बोल सकते हो, आप उस डिपार्टमेंट की वजह से बोल सकते हो. सो यू हैव टू टेल के why do you actually want that job, all right? But don't say कि I want this job because I just need a job, all right? So do some research about this question as well. Then what are your salary expectation? So early part of career में I would say कि always go for good organization rather than for good money in comparison, I would say, because there is a lot of learning in good organization, and then eventually you can earn much more. But that's going to be your personal choice. Salary के बारे में आप try to not talk about salary too early. Okay, if the employer wants you, then he can flexible with the salary as well. All right. Then if he give you offer, you can say, okay, all right, if this can be this much, so it would be good, something like that as well. बट अगर वो आपसे स्पेसिफिकली पूछता है, सो यू कैन से दैट आई एक्सपेक्ट अ रीजनेबल ऑफर एंड लाइक आई वुड बी ग्लैड विद दैट. ट्राई नॉट टू ब्रिंग द सैलरी पार्ट टू अर्ली. बट अगर वो बार बार इंसिस्ट करता है, तो फिर क्या होता है कि अगर इफ यू आर करंटली वर्किंग समवेयर, यू टेल दैट आई एम अर्निंग दिस मच एंड आई वुड लाइक दिस मच इंक्रीज फॉर माई करंट सैलरी, लाइक 30% और 40%, वट एवर इट बी. इफ यू आर करंटली नॉट वर्किंग, यू कैन से दैट आई नो माई कलीग्स आर वर्किंग फॉर दिस मच इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. So I expect somewhere like this, but try to avoid that salary part too early in your interview. Especially never ask for salary. That's very wrong. When in the first interview you come and in the asked in the end or in the mid you are asking how much salary will you be given. So it shows that you non-serious attitude from you. So try not to bring that too early. Or agar wo aapse puchte hain, try to avoid that. But still they ask, so you can give the answer in such a way ki ya to mere colleagues jo fresh hai mere sath wo is position pe itne pe ya market what I have searched, to ye I would expect a similar from you. Aur agar aapki koi purani detail hai to aap us bare mein bata denge. Tayyab, there was a hand raise as well, I think Ariba Rao. Yes, Ariba Rao, maine unmute kar liya hai. Yeah. Sir, you were saying that when you are being asked about your introduction, you can tell the interviewer about your education and achievements. So don't you think that it's already there in the CV and it won't add much information to the interview? And can we tell them about our weaknesses and strengths in that part? Sure. See, when I told that you can tell about your education and your experience, I told that depends that how does the interviewer ask. There are two type of questions. First question is that interview say, okay, tell me about yourself and take us through your CV as well. All right, so then you take them from your CV as well. Apart from that as well, sometimes they discuss your CV first and then they say, tell me about yourself. So when your CV is already discussed, so you do not tell about your education and experience part, you tell other areas, all right?
But when your CV is not discussed or you feel like the person has not read your CV and he has just taken the paper up and he said, tell me about yourself and take us from your CV, so it's good that you tell those areas as well. Because most of the time I tell you, when you enter the room, that is the moment when interviewer take up your CV. And he actually start reading and then he asks, okay, you tell and then I will look after it. So उस पार्ट में अगर आप श्योर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि क्या उसने आपकी सीवी देखी, एक तो ये कि उसने आपको कह दिया सीवी भी दिखाओ, देन यू विल डिस्कस इन डिटेल, एक उसने ये आपको सीवी डिस्कस कर ली एंड देन ही टेल यू, आस्क यू टू टेल अबाउट योर सीवी, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप सीवी को स्किप कर देंगे. बट इफ यू आर नॉट श्योर, सो इट्स गुड टू जस्ट स्किम अ फ्यू डिटेल्स अबाउट योर सीवी एज वेल, लाइक आई एम करंटली वर्किंग हियर, आई हैव वर्क्ड हियर एंड हियर. फिर आप डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि आपने उधर फर्दर क्या क्या काम किया, क्या क्या, वो डिटेल नहीं बता रहे होंगे. Similarly, I have done this and this. Like I have done CA and MBA in banking and finance. So, आप उसके भी डिटेल में नहीं जा रहे होंगे कि आपने इसमें क्या किया है. So, अगर आप श्योर नहीं है whether you have gone through your CV or not, so just skim those areas as well and then tell other things. Then you ask, should we be telling our weaknesses? What I say, try not to bring up your weaknesses too early, or try not to bring up your weaknesses yourself. If the person asks for your weaknesses, then maybe you can identify that. Maybe you can tell that, but it's not too good to tell it yourself and then they can also start digging in that. So I will not recommend to tell your weaknesses in telling about yourself. Yes. Why are you leaving your current job? Yeah, that's a very tricky question. And then again, aap is pe thodi research karte hain aur aap is pe research karke accordingly plan karte hain. That depends ki aap kahan pe interview de rahe hain. All right, aur aap currently kis jagah kaam karte hain. अगर आपको लगता है कि आप एक डिफरेंट सेक्टर में जा रहे हो तो आप उसका ये कह सकते हैं, बिकॉज आई लाइक आई वॉन्ट टू वर्क फॉर दिस सेक्टर, पावर सेक्टर है या जो भी सेक्टर है. अगर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं माई करियर एस्पिरेशन इज टू वर्क फॉर दिस डिपार्टमेंट. अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जिसका आपको कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है, देन यू कैन टेल बिकॉज ऑफ दिस कल्चर. समटाइम यू ऑल्सो से फॉर करियर ग्रोथ, बट उसमें आपको प्रॉब्लम ये होता है कि इंटरव्यूअर से, बिकॉज देन यू विल गेट सम गुड ऑफर फ्रॉम अनदर एम्प्लॉयर एंड यू विल ऑल्सो मूव दैट टू डेट एम्प्लॉयर. अगर आपको एक कंसिडरेबल टाइम हो गया है एक जगह पे, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव फॉर एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट या किसी फंक्शन में, आई हैव बीन हेयर फॉर दिस मैनी ईयर्स एंड आई हैव लर्न अ लॉट एंड आई लव वर्किंग हेयर, बट नाउ आई वुड लाइक फर्दर करियर ग्रोथ एंड मे बी वर्क फॉर फर्दर दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस सेक्टर, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग. दैट्स फ्रॉम दिस साइड. व्हेन वी कुड नॉट आंसर टू एनी क्वेश्चन लाइक यू सेड डेफर टैक्स वंस आस्क्ड फ्रॉम यू, हाउ शुड वी टैकल दिस? That also depends. अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क ऐसा भी आ जाता है when you are giving interview within Pakistan or when you are giving interview outside Pakistan to a Pakistani or to a non-Pakistani, like Western side पे थोड़ा सा expectations change हो जाती है. When we talk about Pakistan, तो expect किया जाता है कि आप जो है, आपको पता हो जो जो बातें आपसे expect की जा रही हैं, आपकी CV में है या आपसे related areas हैं. अगर आपको नहीं पता, अब उसमें डिपेंड करता है कितना नहीं पता. पहली चीज तो ये कि हमें प्रिपेयर करके जाना है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें पता हो. बट अगर हमें नहीं पता, देन व्हाट वी विल सी कि आपको अगर बिल्कुल नहीं पता, एक्सक्यूज के सर आई हैव स्टडीड दिस एरिया, आई हैव बीन टू दिस एरिया, बट इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, आई हैवंट रिवाइज इट, सो आई वुड लाइक टू एक्सक्यूज दैट आई डू नॉट, आई एम अनेबल टू रिकॉल एट द मोमेंट. इट्स बेटर टू एक्सक्यूज रादर देन सेइंग ऑल टुगेदर रॉन्ग. ऑलराइट, तो वो एक इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें एक्सक्यूज कर लें अगर आपको नहीं पता. अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप बता दें कि आई रिमेम्बर दिस पार्ट, बट आप इस बारे में श्योर नहीं है, तो आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दें. बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अगर आप गलत बोलते हो, तो डेट ऑल्सो रिफ्लेक्ट नेगेटिव ऑन यू, कि आपको एक चीज का नहीं पता. लाइक मैं इफ आई टेल यू अबाउट डेफर टैक्स, तो मैंने बिल्कुल ही उल्टा जवाब दे दिया था, एंड द इंटरव्यूअर सेड फ्रॉम वेयर हैव यू लर्न दिस, और माई कॉन्फिडेंस वॉज शेकन ऑल टूगेदर एट दैट टाइम. सो at that time that interviewer was very good and I finally got called for that as well, ki unhone, then he built up my confidence by asking easy question. But that was my luck that I had a good interviewer. You may not have such luck at that your time. So aapko agar nahi bahut zyada confidence, so tell ke I am not sure about it, I missed it, I will check it or something like that. So apologize or excuse for that, that's fine. Yes, sir. Why do I hire you? That similar question which we have just discussed, like why do you want for this job or why do I hire you? You actually tell the good things about you. देखें, जब मैंने आपसे बोला ना tell me about yourself, आपको उस जवाब को इस तरह बनाना है कि उसी जवाब में आप इस बात को भी sell कर रहे होंगे why do he hire you?
when you are telling about yourself, and for example, you are giving interview for finance or for internal audit for any organization, जहाँ पे आपको traveling की requirement है, जहाँ पे आपसे late setting का भी expectation होगी, जहाँ से आपसे team working की भी expectation होगी, जहाँ से आपसे correspondence की भी expectation होगी, तब आप अपने answer में क्या कर रहे हो? You are actually making the mind of interviewer like I love traveling, I am a team worker, I am a motivated individual who love to take challenges. अब आपने उन जवाब को एक तो why जब हम कह रहे हैं tell me about yourself, आपने उधर ही sell करना शुरू कर दिया. अब उसने फॉर एग्जाम्पल आपसे ये दोबारा से सवाल पूछ लिया है तो देन अगेन आप कह सकते हैं बिकॉज आई फील दैट आई एम वेरी मोटिवेटेड, आई एम अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल हु लव टू टेक चैलेंजेस. इस जवाब को उस जॉब के हिसाब से थोड़ा सा अमेंड करो. और ये वो सवालात हैं जो कि मैं आपसे कहूंगा, जिस पे मैंने आपसे कहा था कि गूगल भी आप करें तो इनके जवाब पहले से जहन में बनाएं. देन आप वो रट्टा वो आंसर नहीं रिपीट करेंगे बट एटलीस्ट यू विल हैव अ फ्रेम ऑफ माइंड इन योर माइंड कि जब वो आपसे पूछेगा कि किस तरह से इसे जवाब देना है. ये आपका जवाब थोड़ा सा वेरी करेगा ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, पोजीशन सब पे, लेकिन आपको ये सेल करना है कि आई एम द बेस्ट कैंडिडेट बिकॉज आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम अ टीम वर्कर, आई लव टू ट्रेवल, आई लव टू टेक चैलेंजेस, समथिंग लाइक दैट. उस अकॉर्डिंगली आप उसको सेल करेंगे. यस. Which skills should we improve? System applications, communications, data entry knowledge? Okay. If you take us, which skills we should improve, we should work on most or all of the skills which whatever relevant to us. But if you ask me which is the most important skill, that is to me is communication skills. Aap organizations ke andar bhi dekhenge, even after being hired in organization, dekhen, aapke hiring to depend on communication skills, saath mein aapki kuch knowledge hai. After being hiring bhi, it's very important how do you communicate your areas. आप बहुत अच्छा काम करें, आप बहुत अच्छी तरह से उस पर एफर्ट करें, इफ यू आर अनएबल टू कम्युनिकेट यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सीड. सो इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है कि आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत एफर्ट करें. मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे सेशन करना है, दिस इज नॉट माई फर्स्ट सेशन, आई हैव बीन डूइंग सिमिलर सेशन फिजिकली एज वेल. मैं टोस्ट मास्टर्स का बहुत अच्छे से पार्ट हूँ तो मैं उसमें स्पीचेज एंड डिफरेंट पार्ट हर वीकली बेसिस पे, बल्कि वीक में दो दो तीन तीन बार भी दे रहा हूँ. But for this session as well, before starting this session, like few hours before, I sat on this seat, I checked the background, I checked everything, I checked is my voice audible, is my internet connection is fine, is every light is fine. So bahut zaruri hoti hai ki aap apni communication, apni presentation, apni us cheez ke upar effort kare. What could I have done ki yaar light sahi nahi hai room mein, internet connection nahi aa raha, background pe kuch disturbance ho rahi hai, तो आपके साथ वो चीजें प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होगी. व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू आर स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट. अगर आप उस अपनी बातों में फॉर एग्जांपल आप बार बार कह रहे हैं यू नो वेल वेल, तो दैट शोज नेगेटिव एस्पेक्ट ना. तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करेंगे, यू कैन वर्क ऑन दैट. अगर आप अपनी स्किल में बार बार कह रहे हैं जवाब में आई थिंक वी शुड, अगेन वी नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग, क्योंकि उस वक्त बंदा आपकी टेक्निकल स्किल्स को 30 मिनट्स में नहीं देख सकता. और ड्यूरिंग योर इवन योर वर्क एट ऑफिस एज वेल, तो कम्युनिकेशन स्किल इज द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड द अदर स्किल, डेटा एंट्री स्किल इज आई वुड से वेरी बेसिक एट द मोमेंट, एवरीवन शुड नो इट और इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीवन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर डिजिटल स्किल्स एज वेल, लाइक बिग डेटा, दीज आर द थिंग्स जो कि अब जिस पे बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है, दुनिया में एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है. So try to update yourself. This pandemic is the time, even if you have job, if you don't have job, this pandemic is a very good opportunity for each one of us to improve our skills, continuously work on your skills. If I tell you, like I have done CE and MBA, I am still studying different things because I try or put my utmost effort to keep updating myself. I keep giving trainings as well as straight trainings as well, because it's very important to keep updating yourself. Yes, Tayyip. What is future jobs for? Accountants, please tell us about new opportunity in the context of COVID-19. See, when we talk about future job and we say that the paradigm is changing, the world is changing altogether, and the artificial intelligence will be taking human role and these will be the issue. That's true. I won't say that not true, but if you talk about Pakistan at the moment, we are a bit far from that. Maybe in next few years it will happen, but if you talk about what are the jobs for accountants, they are, I think, as usual, like account payable. Again, if we talk about finance functions, so what functions are there? There is a reporting function, there is a budgeting function, there is a payable function, there is a taxation function.
sometimes there is receivable function as well. So वो आपके लिए मौजूद है. Then there is auditor as well. Now ERP implementation is a very big field where accountants are working as well at a very good position. Then we do not need to limit ourselves to only these jobs. I have seen chartered accountant in supply chain as well. Like they need accountant in marketing as well. In good organizations, the accountant also go to marketing and HR as well. But you move that into, for example, in HR in campaign man, where compensation we are working. So accountants are there as well. So try to apply to all the jobs. I would say all the jobs. If you think it's relevant, it's not okay. It's altogether not relevant. That's something else. But try to apply for maximum job. You will learn a lot from those interviews. And if you get call, you will learn from applying as well. You will keep updating your CV. You will keep updating your email body as well for applying. Aisi mistake please nahi karna ki agar aap Colgate pe apply kar rahe ho to aur aap likho ki I would like to work for HUBCO. To koshish karo ki wo aapki body aap har baar update lazmi karo, use padh ke bhejo. Aisi bhi mistake hoti hai ki yaar aap apply cover letter mein ya aapne apni email ki body mein aapne likha hua kuch aur hai aur aap apply kisi aur organization ke liye kar rahe ho. So there are so many jobs, just apply for it and be ready to take challenging role. Even plants as well, there in plant ke andar bhi accounting sections hote hain jinme zarurat hoti hai. So there are so many opportunities available for accountants at the moment, I would say. Yes. When you talk about so many areas, there is also option of entrepreneurship. You can also go for that. And for that, you also need communication skills to get the client to sell yourself. To sell yourself is similar like interview. So when you have to sell yourself, you need those skills. You need to keep updating that and you can go for interview entrepreneurship as well. Yes, Tayyab. Time bahut kam reh gaya hai to baaki do pe jawab hum denge. Ek sawal aaya bhai, take last few questions and then I can maybe share my email address. If anyone of want to ask any question, they can simply email me and I would love to respond to that question. And if there are many questions, maybe we can have one more session for that as well, separate session. So let's take last few questions, whatever you like. अगर CV में gap आ जाए तो क्या करें, जैसे एक या दो साल का gap आ जाए? देखें, gap आ गया है, उसे आप mention करेंगे. Your this is not right, I would say, but being employer, this become challenging when you find a job with some gap in your CV. But it's not your मतलब if अब gap हो गया ना, एक तो ये था कि आप gap नहीं करते. For some reason it was necessary and you had that gap. So you simply mentioned that gap, like you work from here till here in this year, and then you work from here till here in this year, and try to sell that something like, for example, us dauran agar aap bata sakte hain something like aapne kya kiya, koi aapne education hasil kar rahe the, koi learning thi, you can mention that as well. Agar kuch nahi tha to aap usse kehna, aap koshish kare ki first kare January ya February 2017 mein aapne job chhodi aur 18 ke aapne November December mein aapne join ki. What you can do without telling like bhai aap ye likhein 2017 mein maine ye job ki, aap month na mention kare 2018 mein maine ye shuru ki. But agar aap se interviewer puchta hai, then you will tell the reason why you there was a gap and why there was a gap. So it's fine to have a gap, so I think we can mention that. Yes. What if the organization in which a person is currently working is of bad repute? Does it affect one's chances of landing in a suitable job? Okay, what has happened and you cannot change that, and you may have difficulty in finding for the job, that's true, all right, that's having said. But how can you make things positive for you, or how can you change the thing? That is, you need to have positive attitude for yourself. If you feel that you are working for an organization who does not have a good repute, that's fine, but try to sell your CV in such a way to highlight the positive areas so that you get the call. And when you get the call, all right, your organization may not have repute, but you can tell that I have been doing this part, and this part I have been very honest and ethical with my own part. And like chances, there may be difficulty, but if you remain positive, if you put your best effort, if you put your full effort with utmost effort, you will definitely get the job. And then maybe if you feel like your organization does not have good repute in your country, maybe you can apply in other countries as well. And because if you move from that job to some other country, they may not know much about the repute of that organization. And then maybe if you want to come back to Pakistan, you can come back as well. So you can do something like as well. You can change the area or location of the job if you feel that that's so difficult. But
keep applying on the positive attitude. If you start thinking that because I work for a bad organization, I cannot get a good job, I will not be able to get a good job, so then you will not get a good job. It's same like the CA papers. When we think that we cannot pass it, you cannot pass it. So you need to work with full Christian, full effort, and with positive attitude, trust in yourself, you can do it. It may take longer time than normal. If you work for a good organization, maybe you get a job in 3 months. If you not work for a good organization with good reputation, maybe you take a year or 6 months. It can take longer time, but always work with full effort. Yes. बस यही क्वेश्चन है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ. हमारे पास आपकी फील्ड के रिलेटेड काम नहीं है तो क्या जॉब लीव कर देनी चाहिए? That depends. Okay, I always say never leave a job until you have another job. All right? So never leave the job. So I would not say to leave the job. But if you have another job option, even that job is paying you much less than your current job. ठीक है, आपके पास कोई एक ऑप्शन है जो कि आपके करंट जॉब से भी कम पे कर रहा है बट वो रेलिवेंट है, गो फॉर दैट. लाइक आई गिव यू एग्जांपल, मेरे पास एक इंटरनल ऑडिट में ही एसीसीए केम टू वर्क. ही वाज अ टेलर इन बैंक एंड ही वाज रेडी टू वर्क, विलिंग टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर मच लेस अमाउंट. सो आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई आर यू लीविंग योर बैंक टेलर जॉब, कैशियर जॉब व्हिच पेज यू मोर देन व्हाट आई एम पेइंग यू एज अ ट्रेनी फॉर 6 month कॉन्ट्रैक्ट. हिज आंसर वाज लाइक आई वांट टू डू माय रेलिवेंट जॉब. All right, and his salary was almost slashed by 50%, but he still came. What benefit he had, subsequently he got promoted for that position, he got permanent position, and he is working for that organization now. So it's important that you relevant dekho, kyunki agar teller mein us waqt aap zyada kama sakte ho bank cashier mein, lekin aapka career jaake stuck ho sakta hai. So relevant job ke liye search karte raho, jab tak aapke paas nahi hai wo job na chhodo. जैसे ही आपको रेलिवेंट जॉब मिलती है, इवन वो कम पैसे होते हैं, गो फॉर दैट. यू विल लर्न देयर एंड यू विल अर्न मच मोर इन शॉर्ट टाइम. यस सर, दैट्स ऑल. कोई भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं है तो कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. आपकी बात में मैं दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि वकार जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा था, उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है फोकस एंड दूसरा है बिलीव. एक लॉ, यूनिवर्सल लॉ है कि वॉट एवर यू फोकस ऑन विल एक्सपेंड. जहाँ पे आपका फोकस होगा वो चीज़ एक्सपेंड होगी. अगर आप अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे तो आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी. अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा. दूसरा बिलीव है, जैसा आप बिलीव करोगे वैसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे. जैसे अगर आपका बिलीव है कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, या पाकिस्तान में तो अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती, या मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं हाई लेवल पे पहुँच सकूँ, इस तरह का अगर बिलीफ होगा तो वैसा ही आप एक्सपीरियंस करोगे और आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी. तो आपको पॉजिटिव चीज़ की तरफ फोकस करना चाहिए और पॉजिटिव बिलीव्स को अडॉप्ट करना चाहिए. तो वकार, एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? विद दैट आई थिंक वी शुड एंड आवर सेशन. थैंक यू वेरी मच फॉर अरेंजिंग सच अ वंडरफुल सेशन. And I hope, और आपके फीडबैक से भी लग रहा है कि लाइक इट वॉज अ पॉजिटिव सेशन फॉर यू टू लर्न. आई विल एंड विद द सेम थिंग दैट योर एटीट्यूड, योर बिलीफ इज द मोस्ट पावरफुल, मोस्ट वन कैन हैव मोस्ट पावरफुल थिंग. सो ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड. कभी जिंदगी में ये नहीं सोचना कि हम ये नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अचीव दिस, इसमें हमें प्रॉब्लम हो जाएगी. विथ फुल पॉजिटिव एटीट्यूड पुट योर बेस्ट एफर्ट्स. अपनी एफर्ट्स आप किसके साथ होंगी, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कंसिस्टेंसी हो. नेवर ब्लेम अदर, कि आप जब तक ये सोचोगे ना यार उसकी वजह से ये नहीं होता, वाकई वो नहीं होगा. ऑलवेज टेक केयर, अगर ठीक है मैं इस जॉब के लिए भी नहीं हुआ, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ, हाउ कैन आई बी अ बेटर वकार, हाउ व्हाट थिंग्स नीड टू बी डन. और फिर और एफर्ट के साथ मैं अप्लाई करूँ. इस पेंडेमिक में जॉब फाइंड करना मुश्किल है, दैट्स एग्रीड, बट मुश्किल का मतलब ये नहीं है कि मैं अप्लाई ही ना करूँ. इस मुश्किल का मतलब ये है कि मैं और ज्यादा एफर्ट के साथ और ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करूं. तो विद दैट आई होप दिस सेशन हैव बीन यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर एंड जॉइनिंग मी टुडे. थैंक यू. ओके, थैंक यू वकार फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. मैं कराची ब्रांच कमेटी से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें बहुत अपना टाइम दिया और एक बहुत अच्छा सेशन कंडक्ट किया. अगर पार्टिसिपेंट्स में अभी तक किसी को क्वेश्चन है तो वकार ने भी अपनी ईमेल शेयर की है, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं. आप पप्पा भी मेल कर सकते हैं.
और जो फ्लायर शेयर हुआ था उसमें मेरा नंबर भी लिखा हुआ है, तो आप व्हाट्सएप करके मुझसे भी पूछ सकते हैं, तो हम आपको आंसर दे देंगे। और सेशन के बाद पप्पा की तरफ से आपको एक फीडबैक ईमेल भी आ जाएगी, जिसमें आप वो फीडबैक फॉर्म फिल कर लेंगे, तो हमारे लिए और बेहतर होगा कि हम अपने दूसरे जो सेशंस होंगे उसको इम्प्रूव करवा सकूँ। अगर आपको कोई और सजेशन हो कि हमें किस टॉपिक पे वेबिनार अरेंज करना चाहिए, तो वो सजेशन भी आप पप्पा को ईमेल कर सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पे वेबिनार कंडक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Few people are asking when will be the session repeated. I think it's live on Facebook PIFA page as well, so you can access from that as well. Okay. So हम यहाँ पे conclude करते हैं. Thank you for joining. और फिर next session में फिर इंशाल्लाह हमारी दोबारा मुलाकात होगी. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.